कौन है आप लोग, क्या हो रहा है ये? अरे ये जगह हमने पूरे 1,07,00,000 में खरीद ली है। ये कैसे हो सकता है? नवाब साहब ने हवेली बेच दी? अरे कम से कम हमें इत्तला तो कर देते। हमें भी नहीं कहा, हम सबको नहीं कहा। कह दो कि ये झूठ है, झूठ है। ये काटता तो नहीं है? लग रहा है। बिल्लू तुम चुप रहो। और नवाब को तो हम देखते हैं बिना किसी नोटिस के, बिना किसी मैसेज के कैसे हवेली बेच सकते हैं, हम क्या करेंगे यहाँ पे? आप संतु तुम फोन लगाओ, नवाब साहब को बात करते हैं उनसे। जी मैडम। हम लगाएं क्या फोन? वो लगा रही है। पुष्पा जी, हाँ आ गए नवाब। अबे हमने अपनी हवेली बेच दी और हमको खबर नहीं। कौन है वो कमजोर जो ये कह रहा है कि मैंने अपनी हवेली बेच दी? आपका कहने का मतलब है कि आपने हवेली नहीं बेची? अरे कमाल बात करती हैं आप। अरे हम क्यों बेचेंगे? इस हवेली को हमारी बेगम बहुत पसंद करती थी और बड़ी सुंदर सुंदर यादें जुड़ी हैं इससे, और कुछ बननी है। नवाब साहब एक मिनट, आप लोग प्लीज यहाँ आइए। आपने इन्हें हवेली नहीं बेची? अरे हरगिज नहीं। अरे पहली बार जिंदगी में हम इनकी सूरत देख रहे हैं। आपने इनसे हवेली खरीदी थी? बिल्कुल नहीं, इन्हें तो मैं पहली बार देख रही हूँ। एक मिनट, ये खड़े हैं हवेली के मालिक और ये खड़े हैं हवेली के खरीदार। आपने इनको हवेली नहीं बेची, आपने इनसे हवेली नहीं खरीदी, लेकिन हवेली बिक चुकी है। ये क्या चल रहा है हमको समझ में नहीं आ रहा है। आपने हवेली किससे खरीदी? हवेली के मालिक से। अरे पुष्पा जी, अरे वो मैं हूँ। नहीं हम हैं, 1,07,00,000 देके। किसको? हवेली के मालिक को। अरे कितनी बार बोलूं कि हवेली का मालिक मैं हूँ। मेरा बिल्ली निवास, मेरा बिल्ली निवास। चुप कर। पुष्पा जी, यहाँ हमारी खानदानी हवेली जो है फिसली जा रही है और इसको जो है ना अपनी ही पड़ी हुई है। मैडम आपके पास कोई सबूत, कोई प्रूफ है कि आपने हवेली खरीदा है? हाँ बिल्कुल है, ये लीजिए पेपर्स, इसे साफ साफ लिखा है कि हवेली के नए मालिक हम हैं। ये क्या है? क्या हुआ मैडम सर? विटनेस की जगह पर हमारा और करिश्मा सिंह का नाम लिखा है। क्या हमारा? ये क्या कह रही हैं आप? जी देखिए हूबहू सिग्नेचर भी बिल्कुल हमारे जैसे हैं। पता नहीं कौन है उसकी मैया की सासू मैया ये। ओहो, अब समझा, ये आप चालबाजी कर रही हैं, हैं? ये फर्जी खरीदारों को खड़ा करके आप हमारी हवेली को हड़पना चाहती हैं? ये नहीं होने देंगे हम। नवाब साहब ये आप क्या बोल रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा ही है, आप लोग हमारी हवेली को हड़पना चाहती हैं। ये हवेली हमारी है, कुछ बोलोगे भी कि सारी बातें मैं ही करूँ? हाँ मेरी राय में तो मेरा बिल्लू निवास, मेरा चुप करो बिल्लू। हम ईंट से ईंट बजा देंगे लेकिन हवेली की ईंट नहीं हिलने देंगे। अरे कानून हम भी जानते हैं, आपके खिलाफ हम कंप्लेन करेंगे और आप सबको ना हम कोर्ट में घसीट के लाएंगे, किसी एक को भी नहीं छोड़ेंगे। और एक बार और सुन लीजिए, ये हवेली तो रहेगी लेकिन थाना नहीं रहेगा। समझे ना, तैयार हो जाइए आप लोग। नवाब साहब लेकिन मेरा बिल्लू निवास। समझाया था ना, इस केस के पचड़े में मत पड़िए। अरे इस केस का तो कुछ नहीं हुआ लेकिन इस केस के पीछे जो भी पड़ा सस्पेंड हो गया। ये केस ही नहीं लिया, इस केस को इतना पर्सनली ले लिया कि आप लोगों के ऊपर FIR दर्ज होने वाली है। मेरा बिल्ली निवास, मेरा बिल्ली निवास। लेकिन सर ये बात आप भी अच्छे से जानते हैं कि ये सब हमारे खिलाफ एक साजिश है। बात आप लोगों के गुनाहगार या बेकसूर होने की नहीं है, बात इस थाने की मान सम्मान की है, बात है इस थाने की प्रतिष्ठा की, जिसे आप लोगों ने इतनी मेहनत और मशक्कत से हासिल किया था। लोग इस थाने पर भरोसा करने लगे थे, विश्वास करने लगे थे, आप लोगों की ओर इंसाफ के लिए देखने लगे थे, लेकिन इस बवाल के बाद आप लोग सस्पेंड हो जाएंगे। क्या इज्जत रह जाएगी इस थाने की और आप लोगों की?
सर अगर हम लोग सस्पेंड हो जाएंगे तो पिछले महीने का पगार मिलेगा ना? समझ गए मैडम, सॉरी। सर ये जो पेपर है ना, ये जाली है। हम आपको साबित करके दिखा सकते हैं कि ये सब। करिश्मा सिंह, हम जो समझा रहे हैं उसे समझने की कोशिश कीजिए ना। आप जो कह रही हैं वो तो होते होते होगा, कोर्ट का ऑर्डर आते आते आएगा, लेकिन तब तक प्रोटोकॉल के हिसाब से इस थाने को सील करना होगा और आप सभी लोगों को सस्पेंड करना होगा। सर सस्पेंशन के बाद मैं क्वार्टर में रह सकती हूँ कि नहीं? मैं अपने बिल्लू निवास में नहीं रह सकता, आप क्वार्टर में कैसे रह सकती है? सर सर एक बात करनी थी आपसे। कहिए पुष्पा जी। पता नहीं आज कैसे हमें लगा था कि आप जरूर आएंगे, तो हम राजमा चावल बनाकर लेकर आए हैं। पुष्पा जी आज हम बहुत गुस्से में हैं। ओहो, तो मतलब आपका मन नहीं है आज राजमा चावल खाने का? कोई बात नहीं। ऐसा हमने कब कहा कि हम राजमा चावल नहीं खाएंगे? हमने कहा हम गुस्से में हैं, जाकर टिफिन लाइए, हम हेडक्वार्टर जाकर खाएंगे। अभी लाते हैं सर। जानते हैं आप लोग, हमें इस थाने से बहुत लगाव है। कायदे से तो इस थाने से लगाव नहीं होना चाहिए, लेकिन आप लोगों ने मुझे इतना अच्छा अच्छा बना के खिलाया, इस वजह से हमें। पुष्पा जी। हाँ आए सर, आए सर। आप लोगों को 48 घंटे का समय दे रहे हैं, 48 घंटे में इस केस को सॉल्व कीजिए, उस ठग को गिरफ्तार कीजिए और इस केस को साफ कीजिए, या तो फिर इस थाने को अपने आंखों के सामने बंद होते देखिए, या फिर अपने सस्पेंशन के लिए तैयार रहिए। जय हिंद सर। जय हिंद। अम्मा हद होती दीदा दिल रही की थाना बेच डाला, मतलब मैया कसम वो ठग हमारे हाथ में आ गया ना, उसको ऐसा निचोड़ के बाहर सुखा देंगे ना कि हमारा नाम भी करिश्मा सिंह। चाय। हाँ तो दो ना, सर पे क्या खड़े हो बेताल के जैसे, दो चाय। बरखुदार आपके लिए बदनाम स्पेशल चाय लेकर आया हूँ ताकि आपका मूड ठीक हो सके। ये चाय है? जी मैडम। ये चाय है तो नीम का काढ़ा किसको कहते हैं? उसमें नीम के पत्ते पड़ते हैं मैडम। सॉरी। इसे लेकर जाओ और दूसरा चाय लाओ। बतना। हेलो, क्या जबलपुर पुलिस थाना में लॉकअप खाली है? नहीं नहीं सुन सुन सुन, रिक्वायरमेंट देख क्या है। अच्छा वो खिड़की से व्यू कैसा है? खिड़की नहीं चाहिए, सब अंधेरा अंधेरा चाहिए, एकदम काला काला, इतना काला कि उस काले में हम भी ना दिखे। नहीं मेरा थाना तो खत्म, वो बिक गया ना, इसीलिए तो दूसरे थाने में मैं अपना बिल्ली निवास ढूंढ रहा हूँ। और सुन, इन बेचारों के लिए भी कोई थाना हो तो बता देना। हाँ छोटा मोटा एडजस्ट कर लेंगे। हाँ होल्ड। यस आई कॉल बैक यू। पता है बिल्लू तुम्हें किसका गुस्सा किस पर निकल रहा है? आपका? उस ठग को पकड़ नहीं पाई ना, इसीलिए उसका गुस्सा गरीब बेचारे मासूम लोगों पर निकल रहा है। नहीं 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 पुष्पा जी, आज नहीं, आज बिल्कुल नहीं, आज हम पके हुए हैं, हमारा ना मुंह से कुछ गलत निकल जाएगा, इसलिए आज डिस्टेंस मेंटेन। पुष्पा जी कल तक वैसे भी सस्पेंशन मिल जाएगा हमें, अब घर पे जाके आराम से भड़ास निकाल लेना। क्या इसमें गलत क्या है, ये जो कुछ भी हो रहा है इन्हीं की वजह से हो रहा है ना। देखिए पुष्पा जी अपना ना टोन संभालिए आप, ये जो बात बात पे आप भूल जाती है ना कि हम थाने में हैं, ये सास वाला टोन यहाँ मत लाइए आप, वरना वरना क्या, वरना लाइन हाजिर कर देंगे, फजीहत हो जाएगा जान का। आप हमें धमकी दे रही हैं? हाँ बिल्कुल दे रहे हैं। वैसे भी हम दो दिन में सस्पेंड होने वाले हैं, फिर घर पर ही रहेंगे, वहाँ हम आपकी सीनियर है ये मत भूलिएगा आप। पुष्पा जी यही कह रही थी मैं, लेकिन यहाँ हम सीनियर है ये मत भूलिए आप। तुम चुप करो, बस कीजिए आप लोग जल्दी। ये वक्त एक दूसरे से लड़ने का नहीं, एक साथ मिलकर इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का है। हमारे पास कुल मिलाकर 48 घंटे हैं, इसलिए फिलहाल हम उस ठग को कैसे पकड़ेंगे ये सोचें तो बेहतर होगा। देखिए आप,
लगता है मैं फिर से गलत वक्त पर आ गया। नहीं नहीं, आप बहुत सही वक्त पर आए हैं। हमें पता नहीं था ना गेस्ट आने वाले हैं तो माहौल नहीं बिगाड़ते हम। हमें पता होता कि आप वापस से मिठाई लेकर आए हैं। वैसे पिछली बार तो आप दिवाली की मिठाई लाए थे, इस बार क्या एडवांस में क्रिसमस का मिठाई लाए हैं? रिपोर्ट लिखाने आए हैं, बाहर मार्केट है ना, वहां मेरा पर्स गिर गया, उसमें मेरे आई कार्ड और कुछ जरूरी कागजात हैं, तो यहाँ मदद मांगने के लिए चला आया। खैर कोई बात नहीं, मैं दूसरे थाने में देख लूंगा। नहीं नहीं माफ कीजिए, हम दरअसल किसी और केस को लेकर थोड़े परेशान हैं। कॉनमैन वाले केस को लेकर परेशान है ना आप सब? ये बात आपको कैसे पता? जाहिर सी बात है, थाना बंद होने जा रहा है, आप लोग सस्पेंड होने वाले हैं, हर जगह इस केस की चर्चा हो रही है। खैर अगर इस केस में मेरी मदद चाहिए तो प्लीज बताइएगा। महिला पुलिस थाना जनपद लखनऊ अपने केस खुद सॉल्व करने के लिए सक्षम है, इसलिए आपका जरूरत नहीं पड़ेगा। और वैसे भी आपने ट्रेनिंग लिया है ना, आप पुलिस नहीं है, इसलिए सरकारी काम जो है ना उससे आप थोड़ा दूरी बनाए रखिए, हम ये केस खुद सॉल्व कर लेंगे। मैं आपके काम में दखल नहीं दे रहा हूँ। SHO करिश्मा सिंह, एक मदद की पेशकश की थी, अगर आपको मेरी पेशकश अच्छी नहीं लगी तो मैं माफी चाहता हूँ। और रही बात मेरे पुलिस फोर्स ज्वाइन नहीं करने की, तो इसमें मेरा नुकसान नहीं हुआ है, आपके पुलिस डिपार्टमेंट का नुकसान हुआ है। आपके डिपार्टमेंट ने एक काबिल अफसर खो दिया जो आपके डिपार्टमेंट का और इस देश के काम आ सकता था। अगर मैं इस जगह तैनात होता ना तो ये नौबत कभी आने ही नहीं देता, क्योंकि अगर मैं आपकी जगह होता तो उस ठग के बारे में मैं वैसे नहीं सोच रहा होता जैसे पुलिस उसके बारे में सोच रही है। मैं वैसे सोच रहा होता जैसा वो ठग पुलिस के बारे में सोच रहा। दिमाग को कभी बल से मात नहीं दिया जाता करिश्मा सिंह, याद रखिएगा। चलते हैं। क्या लग रहा है संतोष जी, किस उधेड़ बुन में उलझी हुई है मैडम सर? प्लानिंग, प्लानिंग चल रही है चीती। कैसी प्लानिंग? कैसा राक्षस आदमी। सुनो मैडम सर जानती है कि अभी सबकी नौकरी जाने ही वाली है, तो क्यों ना शादी करके सेटल हो जाए। सुनो तो सही पुष्पा जी, मैडम सर की अम्मी ने मैडम सर को फोटोज भेजे लड़कों की, मैडम सर शॉर्टलिस्ट कर रही है, उन्हीं में से किसी एक के साथ अपना घर बसा लेंगी। संतोष जी वह क्या दूर की कौड़ी है आप, मतलब क्या मस्त आइडिया पता चला है आपको, आप ऐसा काहे नहीं सोचती हैं? कोई अच्छा लड़का मिले तो ना चीते। पानी पीलू जी। जहर दंत राक्षस, ज्यादा ना मुंह मत फाड़ो, हमारा तो खाली नौकरी जाएगा, तुम्हारा तो आसियाना उजड़ने वाला है बाबू। ले ले, ले। मेरे बिल्कुल निवास मेरे घर मेरा आशियाना। हो गया आप लोगों का? करिश्मा जी कहाँ? वो रिकॉर्ड रूम में है। अच्छा बुलाइए उन्हें और चलिए जरा चाय पी कर आते हैं। चाय जी? आइए आइए। थैंक यू। पुष्पा जी कितना टाइम बचा है? तकरीबन 40 घंटे। अब हमें जो कुछ भी करना है इन्हीं 40 घंटों में करना पड़ेगा मैडम सर। वैसे तो हम इस बात का जवाब जानते हैं, फिर भी आप सबसे एक बार पूछना चाहते हैं, क्या आप लोग हैं हमारे साथ? यस मैडम सर। ग्रेट, तो ठीक है फिर हम जैसा कहते हैं वैसा कीजिए। करिश्मा सिंह आपका काम होगा शहर में जितने भी मेडिकल स्टोर्स हैं वहाँ पर वो दवाई पहुँचनी चाहिए जो हमें डॉक्टर विकास ने बताई, ताकि हमारा टारगेट जब भी अपनी एंजाइटी के लिए दवाई लेने मेडिकल स्टोर पर जाए तो उसे हमारी दवाई मिलनी चाहिए। क्लियर? मैडम सर मेरी नजरों में आपके लिए इज्जत और भी बढ़ गई है। क्यों? क्योंकि आप इतनी अच्छी हैं। कौन मैन को पहले दवा देकर उसकी बीमारी ठीक करेंगी, जब वो ठीक हो जाएगा उसके बाद उसे पकड़ेंगी। मेरा सवाल ये है कि हम डायरेक्ट उसे दवा देकर उसे ठीक क्यों नहीं कर देते हैं? उसके लिए ये प्लानिंग मिशन ये सब क्यों? व्हाई? उफ, ये मासूमियत। संतोष जी आप हर चीज में पॉजिटिविटी ढूंढ लेती है ना। चुप करो। और तुम जड़ बुद्धि, हम दवाई देकर उस ठग का इलाज नहीं कर रहे हैं बल्कि उसे पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। मैडम सर आप बताइए आपका प्लान क्या है? थैंक यू पुष्पा जी। करिश्मा सिंह। यस मैडम। आप अपने सारे नेटवर्क्स एक्टिवेट कीजिए एंड मेक श्योर कि अगले 40 घंटों तक सिर्फ और सिर्फ हमारी दवाई हर मेडिकल स्टोर पर मिलनी चाहिए। हम दवाई का नाम आपको मैसेज कर रहे हैं।
मैडम सर उससे क्या होगा? आप करिए तो, भरोसा रखिए, हम आपको बाद में बताएंगे। जय चीता, उस डॉक्टर का नाम क्या है जिन्हें वो नागमणि बेची गई थी? डॉक्टर परवीन कुमार। बुलाइयो। जी मैडम सर। अरे वो होती है ना इच्छाधारी नागिन, कभी भी कोई भी रूप ले लेती है, ऐसे ऐसे ही जीभ निकालती है, लहराती है। समझी नहीं कुछ। एक सेकंड पुष्पा जी, हम समझाते हैं। अरे लहराती है। हाँ, ऐसा कुछ सुना था मैंने, है ना? हाँ, वो लहराती है और मेकअप वगैरह करती है और उसकी आंखें एकदम बड़ी बड़ी होती है ऐसी हरी हरी, और आंखों में बहुत सारा काजल भर के रखती है। अरे डॉक्टर साहब, बैठिए बैठिए। अरे सर आप इधर बैठ जाइए, हम इधर बैठ जाते हैं। ठीक है, बैठिए। आप जो हमको फोन पे कह रहे थे ना, हमको समझ नहीं आ रहा था। अच्छा कोई बात नहीं, अभी बता देते हैं। क्या है ना, क्या कैसी चल रही है तैयारियां? हाँ हम तैयार कर रहे हैं। नहीं नहीं, गुड गुड, आप लोग अच्छे से सब कुछ समझ लीजिए, कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट मिशन है। ये सब क्या चल रहा है? आप लोग कंटिन्यू रखिए, आप हमारे साथ आइए। जी मैडम सर। हमें लगता है कि आनंद सही है। आपको भी यही लगता है कि अगर आनंद ने फोर्स ज्वाइन किया होता तो वो हमसे काबिल होता? नहीं, बात यहाँ काबिलियत या ना काबिलियत की नहीं है, बात सही होने की है। और इस मामले में आनंद सही है कि हम उस शातिर ठग की तरह सोचने में एक कदम कहीं पीछे रह गए। मैडम सर मेहरबानी होगा कि आप साफ साफ हमें बताएं, क्योंकि गोलमोल बातें हमको समझ में नहीं आता, हमारे दिमाग में नहीं घुसता है। कुछ सोचा है हमने, उस पर काफी रिसर्च भी की और एक डॉक्टर से बात भी की है। ये देखिए, एक खास तरीके की दवाई होती है जिसका इस्तेमाल करने से इंसान को हेल्यूसिनेशंस होने लगते हैं, मति भ्रम, दिमागी वहम। पता है मैडम सर। ओके, इस दवाई का डोसेज इतना कम होता है कि इससे किसी भी तरीके का शारीरिक या मानसिक खतरा बिल्कुल नहीं है। इस दवाई का इस्तेमाल करते ही कुछ देर के लिए इंसान को वो सब दिखाई देने लगता है जो दरअसल है ही नहीं। असलियत और भ्रम के बीच का फासला खत्म होने लगता है, और हमें अपने शातिर ठग के साथ यही करना है, असलियत और भ्रम का ऐसा भंवर तैयार करना है जिसमें वो उलझ कर रह जाए। वो कैसे मैडम सर? हमारे टारगेट की परेशानी क्या है, ये कि जब उसके एंजाइटी इश्यूज, उसकी बेचैनी जरूरत से ज्यादा बढ़ जाती है तो वो उसे कंट्रोल नहीं कर पाता बिना दवाई के। और दवाई उसे कहाँ मिलेगी? मेडिकल स्टोर पर। हमें बस इतना करना है कि हमारे आसपास के जितने भी मेडिकल स्टोर्स हैं वहां पर एंजाइटी की दवाई की जगह वो दवाई पहुंचानी है जिसके बारे में अभी हमने आपको बताया। उससे अच्छा ये नहीं होगा मैडम सर कि उस मेडिकल स्टोर पे हम निगरानी रख ले और अगर ऐसा कोई दवाई लेने कोई आए तो उसको वहीं धर ले? क्या है ना करिश्मा सिंह, हमारे पहले प्लान की कामयाबी की वजह से अब वो खुद दवाई लेने वहां आएगा नहीं, वो जरूर किसी और को भेजेगा। तो अब हम उसे कैसे पकड़ेंगे? तजुर्बा कहता है हमारा कि जरूरत से ज्यादा होशियार आदमी जरूरत से ज्यादा डरा हुआ भी होता है। उसे हर पल ये डर लगा रहता है कि कहीं उसकी कोई एक लापरवाही उसे लेना डूबे। हमारा ठग भी कोई अपवाद नहीं है, हम उसकी इसी कमजोरी का फायदा उठाएंगे। अब हम उसके डर को हथियार बनाकर उसे पकड़ेंगे, और इस काम में हमारी मदद करेगा ताजी खबरों का इकलौता अड्डा, आपका अपना सनी चड्डा। तो आइए आज हम सब स्वागत करते हैं अपने लाइव सेशन में डॉक्टर प्रवीण का, जो अपने साथ हुई बड़ी दिलचस्प घटना के बारे में हम सबको बताएंगे। जी प्रवीण जी बताइए। हाँ हम पुलिस कंप्लेन वापस ले रहे हैं, क्योंकि पहले हमें लगता था कि हमारे साथ ठगी हुई है, और उसके बाद हमें इस नागमणि के नाम पे बेवकूफ बनाया गया। हम ही तो बनाए थे। तो डॉक्टर ऐसा अचानक क्या हो गया कि आपने अपना माइंडसेट चेंज कर लिया और अपनी पुलिस कंप्लेन वापस ले ली? क्योंकि पहले मुझे लगा था कि मुझे धोखा दिया गया है, लेकिन कल रात कुछ ऐसा हुआ कि सब कुछ बदल गया। मैडम सर जितना कुछ बोल रहे हैं ना, सब हम सिखाए हैं अपने पर्सनली बैठा के, ए टू जेड सब सिखाए हैं। ऐसा क्या हुआ कल रात को? कल इस मड़ी से सफेद रंग की रोशनी निकली, और हिम्मत करके जब हम आगे गए तो देखा। क्या देखा? नागिन, खूबसूरत नागिन निकली इस नागमणि से। पहले तो हमें अपनी आंखों पे भरोसा नहीं हुआ,
हमको ऐसा लगा कि हम अपने दोनों आंखों से सपना देख रहे हैं, लेकिन वो थी, वो सच में थी हमारे सामने साक्षात। संतोष जी, ये प्लान सक्सेस होगा ना, मेरा बिल्लू निवास बच जाएगा ना। चिंता मत कीजिए बिल्लू जी, आप तो फुटपाथ पे भी रह सकते हैं ना। लेकिन एक शर्त थी उसकी, जिसके पास वो नागमणी होगी वो उसे डस लेगी और मार देगी। यही नागलोक का सिद्धांत है, जिस किसी के पास वो नागमणी होती है नागिन के आंखों में उसकी तस्वीर आ जाती है, और जब तक नागिन डस कर उसकी जान न ले ले तब तक उसका बदला पूरा नहीं होता। हट! बकवास कर रहा है, चांस ही नहीं है, हो ही नहीं सकता ऐसा। तो ये सब सुन के आपको डर नहीं लगा डॉक्टर? डर लगा ना, बिल्कुल लगा, लेकिन हम भी बहुत समझदार आदमी हैं। हमने इंटरनेट की सहायता ली और पूछा नागिन के प्रकोप से कैसे बचे, तो हमको पता चला कि जब तक नागमणी हमारे साथ है नागिन भी कुछ नहीं कर सकती हमारा, लेकिन जैसे ही वो नागमणी हमारे पास से जाएगी वो नागिन हमको ढूंढ के मार देगी। ये वाला लाइन भी हमें सिखाया था मैडम। आप जानते हैं ना कि आप क्या कह रहे हैं, दिस इज 2020। आजकल तो लोग इन बातों पे मजाक बनाना भी आउटडेटेड समझते हैं, और हमारी जनता काफी स्मार्ट है, पढ़ी लिखी है। आई डोंट थिंक कि वो इन सब बातों को एक्सेप्ट करेगी या डाइजेस्ट कर पाएगी। नागिन, नागमणि, बदला, आई मीन कौन विश्वास करेगा इन सब बातों का? देखिए, हम भी एक डॉक्टर हैं और अंधविश्वास को कभी बढ़ावा नहीं देंगे। अब आपको मानना है मानिए, नहीं मानना है मत मानिए। पर डॉक्टर, आपको इस पॉइंट को प्रूव करने के लिए कुछ सबूत है भी या नहीं? सबूत है ना, आज रात वो हमसे मिलने आ रही है। किसने तुम्हारी बीन बजा दी जो तुमसे मिलने आ रही है? तो हम तो कहते हैं कि आप अपने रिपोर्टर दोस्तों को भी बोल दीजिए, तो वो आ जाएंगे और सारा सच का सच और झूठ का झूठ सामने आ जाएगा, तो हमारी जनता को आपके सबूत का बेसब्री से इंतजार रहेगा। मैडम सर, आपको लगता है ये ठगी इस तरीके के झांसे में आ जाएगा? आप ही तो कह रहे थे वो बहुत चालाक है, वो बहुत शातिर है, तो उसको ये चालाकी समझ में नहीं आएगा? वो झांसे में जरूर आएगा, क्योंकि हम उसके साथ वही कर रहे हैं जो वो लोगों के साथ करता आया है, नामुमकिन को मुमकिन बनाने का कर्तव्य। याद है क्या कहा था हमने, जितना ज्यादा होशियार उतना ज्यादा डरपोक। उसका डर उसे यहाँ खींच कर लेके आएगा, और अगर वो नहीं भी डरे तब भी क्यूरियोसिटी उसे यहाँ लेकर आएगी। पक्का? पक्का। सब लोग अपने अपने मार्ग पर रेडी रहना, वो यहाँ पर किसी भी गेटअप में आ सकता है। यस मैडम सर। आई मिस पुष्पा जी। हम तो चले जाते ना, तुम भी साथ में उनका बीमार सासू माँ का सेवा करने। पुष्पा जी की सासू माँ कितनी खुशनसीब है ना, उन्हें ऐसी बहू मिली है कि तबीयत खराब हुई तो तुरंत एक फोन कॉल पे पहुँच गई सेवा करने। तो तुमको क्या लगता है संतू, कि हम अपना सासू माँ का देखभाल नहीं करते हैं? पास कीजिए आप लोग, ये सास बहू का ड्रामा बाद में करना, अभी काम पर ध्यान दीजिए सब लोग। जी मैडम सर। आइए डॉक्टर, बताइए। सच कभी कभी अविश्वसनीय होता है, पर होता जरूर है। बस थोड़ी देर और, नागिन इस नागमणी से बाहर आ जाएगी। अच्छा जीती सुन ना, अगर तुझे कोई ऐसी इच्छाधारी नागिन मिलती और तुझे तेरी इच्छा पूछती तो तू कौन सी इच्छा पूरी करवाता? ये भी कोई पूछने वाला बात है संतु जी? आए तो कंफर्म है ना कि हम भी घर बसाते नागिन के साथ, मासूमियत के साथ। इच्छाधारी नागिन ना तेरी ये इच्छा कभी पूरी नहीं कर सकती। सांप के जहरीले अंडे, चुप हो जाओ नहीं तो तुम्हारा ना आखिरी इच्छा भी नहीं पूछेंगे हम। चुप रहो, मिशन पर ध्यान दो। देखो उधर, देखो। अच्छा है, अच्छा है। अब 2020 में नागिन निकलते हुए भी देखेंगे, नहीं कमाल है। आपके कमाल पे कमाल का शेर याद आ गया। वाह वाह, किसी ने खूबी कहा है, तेरा कमाल तू ही जाने, हम तो तेरी हर शय को बेमिसाल मानते हैं। आह वाह, ये मीडिया वाले हैं। अब अगर आज नागिन निकले तो भी ब्रेकिंग न्यूज, नहीं निकले तो भी ब्रेकिंग न्यूज। अब दोनों केसेस में जीत तो हमारी है ना। जी, जी। और जहां तक मुझे लगता है आज नागिन निकलेगी, और अगर निकली तो जो ये नागमणी बेच रहा है ना वो तो गया डायरेक्ट
ऊपर। चलो तो ये सर्कस भी देख लेते हैं। अरे 12 बज गया, मैंने कहा था ठीक 12 बजे चमत्कार होगा और नागिन बाहर आई, नागिन बाहर आ रही है। अरे आप लोग डरिए नहीं, कुछ नहीं करेगी आप लोगों को। अरे ये देखिए, ये है इस नागमणि की नागिन। मैं नागिन हूँ और यहाँ पे बदला लेने आई हूँ, और मेरी दिव्य शक्ति कहती है कि वो यही कही है जिसकी मुझे तलाश है। मेरा दुश्मन जिसने मेरी नागमणि बेचकर मेरा अपमान किया है, छोड़ूंगी नहीं मैं उसको। सब लोग ध्यान से सुनिए, अगर हमारा ठग यहाँ पर आया है तो ये सब देखकर उसकी बेचैनी जरूर पड़ जाएगी, फिर उसे दवाई लेनी होगी जिसका असर ठीक 2 मिनट बाद होगा। सब लोग प्लीज अलर्ट रहिए, वो कभी भी हमारे सामने आ सकता है। नहीं छोड़ूंगी मैं तुझे, साप, साप। तुझे मार कर ही मैं बदला लूंगी, मरने के लिए तैयार हो जा। रुक जा। नहीं, ये कैसे हो सकता, ये नहीं हो सकता। अरे क्या हो रहा है मुझे, ये इस डॉक्टर का बेवकूफ बनाया था मैंने, ये कांच का टुकड़ा नागमणि बताकर इसको बेच दिया था। ये नहीं हो सकता, झूठ है ये, झूठ। वैसे तो हम सब जानते हैं, लेकिन ये कभी नहीं जान पाए कि आनंद जैसा इंटेलिजेंट टैलेंटेड आदमी के पीछे क्रिमिनल माइंडसेट है। अक्सर चिराग तले अंधेरा होता है सर, वैसे तो किसी भी गलत काम का कोई डिफेंस नहीं होता, लेकिन आनंद के क्रिमिनल बनने के पीछे उसके साथ जिंदगी में हुई ट्रेजेडी बहुत बड़ा हाथ है। पूरी तरीके से काबिल होने के बावजूद बस एक मामूली से आंख के डिफेक्ट की वजह से वो अकेडमी ज्वाइन नहीं कर पाया, और इसी गुस्से और फ्रस्ट्रेशन ने उसे क्रिमिनल बना दिया। अफसोस इस बात का होता है कि आनंद अपने टैलेंट का बहुत अच्छा इस्तेमाल कर सकता था। देश की सेवा करने के लिए सिर्फ वर्दी पहनना जरूरी नहीं है। बिल्कुल सही कहा मिस मलिक, लेकिन मैं हैरान इस बात पे हूँ कि इसको इसी की तरीके से पकड़ा, कैसे किया है सब आप लोगों ने? सर दरअसल हमारे पास अपराधी की जितनी भी फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन अवेलेबल थी उस पर हमने अनुमान लगाया कि उसे एंजाइटी की प्रॉब्लम है। अगर प्रॉब्लम है तो वो दवाई भी लेता होगा। बस फिर हमने डॉक्टर विकास और डॉक्टर प्रवीण के साथ मिलकर एक प्लान बनाया।
आसपास के जितने भी मेडिकल स्टोर्स हैं, वहां पर हमने एंटी एंजाइटी पिल की जगह वो दवाई रख दी जो हमें डॉक्टर विकास ने सजेस्ट की थी। इस दवाई को लेने से इंसान को थोड़ी देर के लिए हेल्यूसिनेशंस होने लगते हैं। अब घबराइए नहीं, इस दवाई का सेवन करने से किसी को कोई मेंटल या फिजिकल रिस्क नहीं है, और अगर थोड़ी बहुत भी किसी को परेशानी होती तो हमने पहले से ही आसपास के जितने भी हॉस्पिटल्स हैं या क्लिनिक्स हैं वहाँ पर सारे डॉक्टर्स को अलर्ट कर दिया था। प्लान के मुताबिक आनंद ने दवाई ली और फिर जो हुआ वो सब आपने देख ही लिया। ऑफकोर्स इस सब में किस्मत का साथ देना बहुत जरूरी था, जो कि हुआ और हमने अपराधी को पकड़ लिया। हम तो इसे देखते ही पहचान गए थे सर, बस इसके कन्फेशन का इंतजार कर रहे थे। मैडम सर, इतना कुछ हो गया, हमारी जनता चाहती है कि वो आपके थ्रू इस केस के बारे में कुछ जाने। कुछ कहना चाहेंगी आप? बस यही कि इस तरह के केसेस में जितनी गलती आनंद जैसे क्रिमिनल्स की है उतनी ही गलती हमारी भी है। सब कुछ बहुत जल्दी से पा लेने का लालच या लॉटरी जीत जाने का लालच, ये लालच हमें कमजोर बनाता है, और आनंद जैसे क्रिमिनल्स तो बैठे हैं इस बात का फायदा उठाने के लिए। हम ये बात भूल जाते हैं कि कुछ भी पाने के लिए थोड़ी सी मेहनत, थोड़ी सी मशक्कत तो करनी पड़ती है। तो मेहनत करिए एंड हैव अ हैप्पी दिवाली। थैंक यू। शिंदे, जोक सुना ना जोक। क्या है, तुम्हारे बारात में आए कि जोक सुना है? ए, बारात में फालतू जोक नहीं चाहिए, उसके लिए तो ऐसा महंगा वाला आर्टिस्ट मंगाऊंगा मैं। चीते, मैं सुनाऊं जोक? बिल्कुल भी नहीं बाबू, चुप रहो तुम वहीं पे। अच्छा मैं सुनाता हूँ जोक। चीते, रजिस्टर हुआ आप? संतोष जी, रजिस्टर होता रहेगा, पहले ये जोक सुनो, जोक ऑफ द डे सुनो। सुनो, तो एक बार क्या होता है, जेलर कैदी को कहता है कि कल सुबह तुम्हें 9 बजे फांसी दी जाएगी। तो कैदी कहता है ये हो ही नहीं सकता। पूछो क्यों? क्यों? क्योंकि कैदी कहता है मैं उठता ही 10 बजे हूँ। समझ में नहीं आया जो? संतु जो राइफल जो साफ करके रखे थे ना, थोड़ा लेकर आइए ना, चला कर देख लेते हैं चल रहा है कि नहीं। क्या क्या हुआ क्या? बिल्लू जी, ये जोक था? ऐसा सड़ियल वाहियात बेकार सा दो कौड़ी का जोक मारते हो, आपको बिल्कुल डर नहीं लगा कि इसके बाद आप पे जानलेवा हमला भी हो सकता है? चलो ठीक है, जोक को छोड़ देते हैं, चलो चाय भी के आते हैं। चाय पीते, रजिस्टर का काम हुआ? फालतू समझाएगा जी अपनी तरह, तुम जब देखो तब चीते, चल बाहर चल के चाय पी के आते हैं, घूम के आते हैं। एक शब्द और बोले ना हमको तो सरकारी काम में बाधा डालने के जुर्म में ऐसा एक्सटेंशन हो जाएगा, करिश्मा मैडम के हवाले कर देंगे। अब चुपचाप खड़ा रहो। चीते, चीते सुनना सुनना, चीते सुनना सुनना, ये तो ऐसा कर सकते है। क्या हुआ? कुछ नहीं कुछ नहीं। नहीं नहीं, कुछ तो हुआ है, बताओगे क्या हुआ? का कुछ तो पक्का हुआ है, तीनों एक ही ताल में नाच रहे हो, बिना बात के 32 दिखा रहे हो, मुंह से तुम्हारे एक आवाज नहीं फट रहा है, और बोल रहे हो क्या हुआ है? नथिंग, कुछ भी नहीं। तो पा गई के तीनों की तीन। हमारा चश्मा का यहाँ, हमारा हम चश्मा रख कर गए थे, वो चश्मा का हमारा, देखा किसी ने? तुमने देखा? हाँ देखा था ना, था ना, था ना, मैं देखा था ना। बिल्लू ने भी देखा था, संतु जी ने भी देखा था, हमने भी देखा था, लेकिन अभी कहाँ है मैडम, हम तीनों में से किसी को पता नहीं है। पता नहीं मतलब यहाँ रख के गए थे तो कहाँ चला गया? पैर लगे हुए थे चश्मा के, जो हवा खाने बाहर चला गया, यहीं पड़ा था, किसी ने तो देखा होगा। संतु, तुमने देखा है? नहीं नहीं नहीं। अम्मा ढूंढ के दो, नहीं तो रॉकेट बना देंगे तीनों का यहाँ पे। मैडम मैडम। हाँ जी, बताएंगे आपकी क्या सेवा कर सकते हैं? खुशी,
अक्सर यहाँ लोग दुखी होते तो आते हैं। आप किस खुशी में आई हैं? मेरा नाम खुशी है मैडम। मैडम मुझे हसीना मैडम से मिलना है क्योंकि इस वक्त सिर्फ हसीना मैडम ही मेरी मदद कर सकती हैं। प्लीज आप लोग मुझे उनसे मिलवा दीजिए। जी अब बताइए क्या हुआ आपके साथ? धोखा हुआ है मेरे साथ, झूठ बोला गया है, मेरे इमोशंस के साथ खेला गया है, चीट किया गया है मुझे। मतलब ये बॉयफ्रेंड का मामला है, बॉयफ्रेंड ने चीट किया? आजकल के बॉयफ्रेंड ना मैडम सर, सीरियसली मतलब। नहीं संतू जी, सब लड़का एक जैसा नहीं होता है। प्लीज सॉरी। जी नहीं मैम। नहीं तो? मेरे अपने फादर ने धोखा दिया है मुझे। फादर ने? कैसे? उनका नाम गोपाल है और उन्होंने मुझे गोद लिया था और मैंने उन्हें अपने सगे पिता से भी बढ़कर माना था। मुझे लगा था कि मेरे पिता दुनिया के सबसे अच्छे इंसान हैं, एंजल है वो, लेकिन मैं गलत थी। क्यों, क्या हुआ? जिस आदमी पे मैंने इतना भरोसा किया, इतना प्यार किया, भगवान के बराबर दर्जा दिया और इतने सालों तक उसी आदमी ने मुझसे अपनी असलियत छुपा के रखी, लेकिन आज उनका सच मेरे सामने आ गया। जब से उनका वो सच मेरे सामने आया है, मुझे उनसे और अपने आप से दोनों से नफरत हो गई। कैसा सच? समझ में नहीं आ रहा कि मैं कैसे बताऊं। क्रिमिनल निकले? नहीं मैम। हाँ तो कोई अविवाहित संबंध है क्या? एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर। यही। शादी ही नहीं हुई थी उनकी तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर कहाँ से होता? चोर निकले? बिल्लो। नहीं नहीं चोर हुए तो क्या हुआ, चिंता करने की कोई बात नहीं है, सुधर सकते हैं मेरी तरह, है ना? देखो खुशी, ये महिला पुलिस थाना है, ये बनाया ही इसलिए गया था ताकि महिलाएं अपनी समस्या बिना डर के, बिना किसी संकोच के बता सकें। इसलिए रिलैक्स हो जाओ और फिर आराम से बताओ, ऐसा क्या किया तुम्हारे पिताजी ने जो तुम इतनी डिस्टर्ब हो गई हो? मुझे पता चला है कि मेरे पिता एक किन्नर है। जो खुद को पुरुष दिखाने की और जताने की पूरी कोशिश करते हैं, जो कि वो है नहीं। आज जब मैं अचानक कॉलेज से घर जल्दी वापस आ गई तो उनका वो सच मैंने अपनी आंखों से देखा। आज मैंने उनको आईने के सामने मेकअप करते हुए देखा और मेकअप करते समय उनके हाव भाव भी बिल्कुल औरतों की तरह थे। मुझे तो अपनी आंखों पे विश्वास ही नहीं हुआ और फिर मैंने उनकी अलमारी की तलाशी की जहाँ पे मुझे एक डायरी मिली और उस डायरी में उनका सारा सच है और उनके किन्नर होने का पुख्ता सबूत। शर्म से मेरा सर ऐसा झुका कि मैं खुद से भी नजरें नहीं मिला पा रही हूँ। क्यों, किन्नर होना कोई गुनाह तो नहीं है? ये किसी के भी साथ हो सकता है, इट्स वेरी नेचुरल। हाँ उन्हें छुपाना नहीं चाहिए था, ये उन्होंने गलत किया, लेकिन इसमें शर्मिंदा होने वाली क्या बात है? खुशी अपने घर जाओ और अपने पिताजी से डायरेक्टली बात करो, तुम उनकी बेटी हो, ये तुम्हारा अधिकार है। नहीं मैम, मैं अकेले उनके पास नहीं जाना चाहती हूँ, इसलिए तो मैं आप लोगों के पास यहाँ पर आई हूँ। आप प्लीज मेरे साथ चलिए। सब ठीक तो है, ये तुम्हारे साथ पुलिस क्यों है? इन्हें मैं ही लेकर आई हूँ। तुम लेकर आई हो, लेकिन क्यों? क्योंकि मुझे आपका सच पता चल गया है बाबा, मुझे पता चल गया है कि आप क्या है। मिस्टर गोपाल प्लीज संभालिए अपने आप को, हम यहाँ आपको सपोर्ट करने के लिए आए हैं, प्लीज घबराइए मत। आप बैठकर बात करें। जिसको आपने अपनी बेटी माना उसी से आपने सच छुपाया कि आप अलग हैं। क्या छुपा लिया मैंने और क्या बता देता तुम्हें? तुम इतनी छोटी बच्ची थी कि तुम्हें क्या समझ में आती? मेरे दुनिया से अलग होने की वजह से मेरे पिताजी शर्मिंदा ना हो इसलिए हमने घर छोड़ दी। लेकिन गोपाल जी, बाहर का दुनिया से तो घर वाले बेहतर है ना? बिल्कुल, बाहर की दुनिया बहुत ही क्रूर और निर्दयी थी, लेकिन मेरे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था। मैं लड़ा, जैसे जी सकता था जी हाँ, जीवन में हमेशा अकेलापन खलता रहा, सुनापन महसूस कर रहा था, समझ में नहीं आ रहा था मैं क्यों जी रहा हूँ, क्या मकसद है। तभी एक दिन
सड़क के किनारे मुझे एक लावारिस बच्ची रोती हुई मिली। मैंने उसे उठाकर अपने सीने से लगा लिया। मुझे लगा मुझे दुनिया मिल गई। मेरा वो तन्हाई, अकेलापन सब क्षण भर में गायब हो गया। सच कहता हूँ, मैंने अपनी ईमानदारी से इसके माता पिता को ढूंढने की कोशिश की, लेकिन वो लोग नहीं मिले। मैं इसे अपने घर ले आया। मैंने तय कर लिया कि मैं इसे पाल पोस के बड़ा करूँगा। बड़े प्यार से मैंने इसका नाम खुशी रखा और सोचा कि इसे जिंदगी में हर वो खुशी दूँ जो मैं इसे दे सकता हूँ। इसे पालने के लिए मैंने अपने आप को पूरी तरह बदल लिया। बहुत मुश्किल होती थी मुझे, लेकिन मैं दुनिया को जाहिर नहीं होने दिया। मैं हमेशा मर्द बन के रहा, लेकिन जब ये नहीं होती थी घर पे, मैं अकेला होता था तो मैं अपनी चाहत के हिसाब से जी लेता था। मुझे नहीं पता था कि इसे सब कुछ पता चल गया। मेरे वर्षों की तपस्या बेकार हो गई। बेटा मुझे माफ कर देना। मिस्टर गोपाल, आप क्यों माफी मांग रहे हैं? आपने तो वैसे ही जिंदगी जी जैसे आप हैं। किसी को कोई हक नहीं है ये बताने का कि आपको अपनी जिंदगी कैसे जीनी चाहिए। ये आपकी जिंदगी है और आप तय करेंगे। और तुम, उम्मीद है तुम्हें समझ आ गया होगा कि तुम्हारे पिता ने तुमसे ये सारी बातें क्यों छुपाई। तुम शर्मिंदा हो इन पर। तुम्हें गर्व होना चाहिए कि उन्होंने तुम्हें सड़क से उठाकर इतनी अच्छी जिंदगी दी। तुम्हें गर्व होना चाहिए कि तुम इतने अच्छे इंसान की बेटी हो। मिस्टर गोपाल, हमारा काम खत्म, हम चलते हैं। प्लीज प्लीज, मुझे यहाँ पे अकेला मत छोड़ के जाइए। मैं इस इंसान के साथ एक मिनट भी नहीं रहना चाहती हूँ। इनसे कहिए कि यहाँ से चले जाए। एक सेकेंड, वो काहे जाए यहाँ से? ये तो उनका घर है ना, मालिक है वो इस घर के। अगर किसी को इस घर से जाना चाहिए तो वो तुम हो जिसको जाना चाहिए। अगर सड़क से तुमको नहीं उठाते आज तो तुम कहाँ होती, तुमको पता भी है? आज तक मुझे भी यही लगता था, पर अब मुझे लगता है कि ये सब इन्हीं का किया धरा है। इन्होंने ही मुझे मेरे माँ बाप से छीना या चुराया होगा ताकि मेरे जरिए ये सोसाइटी से अपना सच छुपा सके। अमर तुम ना, नहीं, आप कुछ मत कीजिए प्लीज। बच्ची है, गलती से बोल गई। देखो बेटा, तुम मेरे साथ नहीं रहना चाहती, कोई बात नहीं, लेकिन उसके लिए तुम्हें यहाँ से जाने की जरूरत नहीं है। ये घर मैंने सिर्फ तुम्हारे लिए ही बनाया था। तुम्हारी खुशी से बढ़कर क्या है मेरे लिए? अगर कोई यहाँ से जाएगा तो मैं जाऊंगा, तुम यहीं रहोगी। बस अपना ख्याल रखो। ताज़ी खबरों का इकलौता अड्डा, आपका अपना सनी चड्डा। आई नो आपको लग रहा होगा कि आज सनी चड्डा की आवाज़ और अंदाज में बदलाव क्यों है। वो एनर्जी, वो जज्बा, वो कहाँ गायब है जिसकी वजह से सनी चड्डा पूरे वर्ल्ड में फेमस है? तो जवाब है आज की ताज़ा खबर, जो मुझे अभी अभी मिली है और मैं आप तक पहुँचा रहा हूँ। दोस्तों, आज तक तो हमने सुना था कि माँ बाप अपने बिगड़े हुए बच्चों को अपने घरों से बेदखल कर देते हैं, पर आज मैंने पहली बार सुना कि एक औलाद ने अपने पिता को अपने घर से बेदखल कर दिया। वो पिता जिसने अपने औलाद को सड़क से उठा के अपने गले से लगाया, अपने दिल में जगह दी, आज वही बेटी अपने पिता के साथ रहने में शर्मा रही है, डर रही है, क्योंकि उसके पिता किन्नर हैं। और अंकल जी, आपको अपनी बेटी पे गुस्सा नहीं आ रहा? क्यों आएगा गुस्सा, बच्ची है, कुछ भी बोल जाती है। आप प्लीज उसके बारे में उल्टा पुल्टा मत बोलिए। मेरी बच्ची दिल की बहुत अच्छी है, लाखों में एक है वो। और जहाँ तक घर छोड़ने की बात है, अगर मेरी खुशी को मेरे घर छोड़ने से इतनी सी भी खुशी मिलेगी तो मैं से हजार घर उस पे कुर्बान कर दूंगा। और मुझे लगता है कि दुनिया का कोई भी पिता यही करेगा। संतू जी, आप कहाँ, कैसे लाल कहाँ है? संतू जी क्या हो गया? आई ड्रॉप ला दे, एम्बुलेंस बुला दे, डॉक्टर। संतू जी इमोशनल हो रही है, इनको आई ड्रॉप की नहीं इमोशनल सपोर्ट की जरूरत है। अरे संतू जी, क्या हुआ आपको?
डैडी। क्यों, क्या हुआ? डैडी से कोई लड़ाई वड़ाई हुई क्या संतु जी? मैं खुशी की डैडी की बात कर रही हूँ। ऐसे किसी के भी डैडी को उदास नहीं देख सकती। कितना भावुक सा, नाजुक सा, कोमल सा दिल है आपका संतु जी, ना मतलब किसी का दर्द देख ही नहीं कि बस ओवर फ्लो। इस मामले में ना हम भी आपके जैसा है, हम भी ना आपको बिल्कुल उदास नहीं देख सकते संतु जी। अब आप बस देखिए कैसे हम अंकल का मूड ठीक कर देते हैं। तू रहने दे, वैसे अंकल का मूड खराब है, अपनी मनहूस सी शक्ल देख के ना उनका मूड और मत खराब कर। मैं हूं ना। अब चाहे जो कुछ हो जाए बाबू, अंकल को हंसाएंगे तो हम ही। अंकल जी आप ऐसे उदास मत हो, हमने जो साथ में इंटरव्यू किया ना, एक बार वो टेलीकास्ट हो जाने दो, फिर देखना कैसे आपकी बेटी दौड़ी चली आएगी आपको घर वापस लाने के लिए। कहिया पूरा जड़ बुद्धि हो का यार तुम। हाँ स्माइल करिए ना अंकल जी, से मतलब तुम बोल दिए और अंकल जी तब से स्माइल कर देंगे। देखो कैसे हंसते हैं अंकल जी। अंकल जी हमारा नाम ना चीता चतुर्वेदी है, हम ना महिला मनोवैज्ञानिक है। हमारे अंदर का मनोवैज्ञानिक जो है ना वो चीख चीख के कह रहा है, जिस प्रकार से आप अपनी बिटिया को मिस कर रहे हैं ना अंकल जी, सेम वैसे ही वो भी आपको मिस कर रही है। अंकल जी आप सारा टेंशन छोड़ दीजिए और मुस्कुराइए, वो आती ही होंगी, फोन भी कर रही होंगी। चीते, सनी ने भी अभी वही बोला ना। ढंग संतु जी, बोलने का भी ढंग होता ना, पेश करने का ढंग होता है। हाँ चीते, तो तू ढंग से बोलना। सुन चीते, अगर अंकल को तेरी कही हुई एक भी बात समझ आ गई ना, तो नाम बदल दियो मेरा, शर्त लगा भी। नाम बदल तो बाबू, तुम दूसरा नाम सोच लो, सनी चड्डा से ना फनी चड्डा रख लो, काहे कि तुम बाबू नाम तो बदल ही लोगे, हम ही जीतेंगे। अरे संतु जी के बारे में तुम बोलना। अंकल जी, अंकल नहीं, ला ला ला, अच्छा दीदी दीदी निकल 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 भाई, फटाफट ला, ये कांच लग जाएगा ना। अबे साइज थोड़ा छोटा बड़ा हो सकता है, अबे ट्राई तो कर, अच्छे से लगा दे। नहीं नहीं ट्राई तो कर रहा हूँ, लेकिन बदनाम ये कांच ना इस फ्रेम को लगना चाहिए, नहीं तो करिश्मा मैडम हम दोनों का रॉकेट बना देंगे। अच्छा तो बिल्लू जी, किसने कहा था करिश्मा मैडम का चश्मा लेके रजनीकांत की तरह स्टाइल मारने के लिए? नहीं हाँ क्या रे, मैं वो बोर हो रहा था ना इसीलिए। अच्छा तो अब रॉकेट बन के उड़ने के लिए भी तैयार है ना? इसका भी रॉकेट बना के करिश्मा मैडम उड़ा देगी। ऐसा क्यों? करिश्मा मैडम के चश्मे का कांच तो तुझसे टूटा है ना, तो रॉकेट उसे क्यों बनाएगी? हाँ ये कांच तो मुझसे टूटा है, इसलिए मेरा तो रॉकेट बन जाएगा। इसने कांच लाया है, ये अगर ढंग से नहीं बैठा तो इसका भी रॉकेट बन जाएगा ना इसीलिए। ना मैडम तू चिंता मत कर, ये कांच ऐसे फ्रेम में फिट कर दूंगा और चुपके से करिश्मा मैडम के टेबल पे ऐसे चश्मा रख दूंगा, तो उनको कभी भी पता नहीं चलेगा कि इनकी कांच मुझसे टूटी है। एक मर्द हो क्या और डरता है? हेलो, हमें मारती है लेकिन हम डरते नहीं है, हम औरत की रिस्पेक्ट करते हैं। अबे बिल्लू, ये आइडिया बुरा नहीं है कि करिश्मा मैडम को हम कह देंगे कि देखिए मैडम हम जो है आपको अल्टरनेट इज्जत देंगे और आप हमको अल्टरनेट मार दोगे, समझते हो ना, तुम मानो या ना मानो। नॉट बैड आइडिया। अच्छा अच्छा, मतलब इज्जत करते हो इस वजह से मार खा लेते हो, वरना डरते वरते नहीं हो? डर और हम। हेलो, मैं फौलाद की औलाद हूँ। अच्छा अच्छा बिल्लू बिल्लू बिल्लू, अगर करिश्मा मैडम को पता चल गया कि ये कांच तुमसे टूटा उनके चश्मे का, तो क्या बिल्लू जी को बिल्लू निवास से निकाल देगी और बदनाम की ये चाय की दुकान बंद करवा देगी, है ना? ऐसे कैसे बिल्लू निवास से निकाल देंगे? बिल्लू निवास मेरा है, मैं कहीं नहीं जाऊंगा बिल्लू निवास से। और क्या किससे डराते हो? अरे एक तो कांच ही टूटा है ना, इसके लिए क्या बिल्लू निवास से निकाल देंगे? करिश्मा मैडम को मैं खुद बताऊंगा, हाँ मैंने तोड़ा है कांच, जाओ जो करना है कर लो। हम भी कह देंगे करिश्मा सिंह से कि हम आपसे डरते नहीं है, जो करना कर लो भाई। हमारे बाबूजी का दिया चश्मा तोड़ दोगे और लगा कि हम कुछ नहीं कहेंगे? बाबूजी का चश्मा अभी लगा देते, ये देखो लग गया, दो मिनट का काम है। लगना भाई लगना। लग गई, दोनों तोड़ दिया, दोनों तोड़ दिया। ये तो देख बाबूजी की दोनों आंखों को शांति मिली।
ऑल्टरनेटिव डेज पे रिस्पेक्ट करेंगे, ऑल्टरनेटिव डेज पे मार खाएंगे, ये तुम बोल रहे थे ना? मजाक कर रहे थे। मजाक था। और ये औलाद की औलाद किसने बोली? ये पगला। नहीं नहीं, चंपत, औलाद की औलाद? नहीं नहीं, बाबूजी की फौलाद। नहीं, फौलाद के बाबूजी, औलाद की फौलाद क्या? बाबूजी क्या बोले थे हम? नहीं, इकबाल क्या बोले थे हम? तुम फौलाद की औलाद? हाँ, यही बोले थे हम। बोला था। और तुम क्या बोले थे कि हम डरते नहीं है करिश्मा सिंह से, कि हम क्या कर लेंगे तुम्हारा? हाँ, ऐसा ही बोला था। बोला ऐसा ही बोला था ना? इधर आ, इधर आ। डरते नहीं है ये। ए बिल्लू, इधर आओ, सामने आइए। आइए आइए, आगे आओ। बिल्लू भाई, बिल्लू भाई, आओ। बिल्लू भाई, औलाद की औलाद। अरे हट। माफ करना बेटा, बाबूजी का दिया हुआ चश्मा टूट गया। नहीं नहीं, कोई बात नहीं, टूट गया, बन जाएगा दोबारा। लेकिन हमको इस बात का अच्छा लगा कि इस वजह से किसी और के पिता के चेहरे पे मुस्कुराहट आ गई। आप ना ऐसे ही मुस्कुराते और हंसते रहिए, और लिखने वाले पे छोड़ दीजिए, कभी कभी कहानियों का अंत अच्छा हो जाता है। आप लोग बेकार में इतने परेशान हो रहे हैं, मैं कोई ना कोई इंतजाम कर लूंगा। देखिए, घर छूटा है, अच्छे लोगों का साथ नहीं, कोई ना कोई साथ दे देगा। वैसे तो मैं अपना बिल्ली निवास किसी के साथ शेयर करना पसंद नहीं करता, लेकिन मुझे पहली बार खुशी होगी कि इस तरह के लोगों के साथ मेरा बिल्ली निवास शेयर हो रहा है, तो आप मेरे साथ रह सकते हो। आई हैव नो प्रॉब्लम। वाह यार बिल्ले, तुम तो कमाल के आदमी निकले यार। मतलब तुम्हारा दिल कितना साफ है, शक्ल से चाहे तुम जितने बड़े चंडाल दिखो, लेकिन इंप्रेस्ड यार। सही सही बात बोले चीते तुम एकदम। नहीं, इरादे तुम्हारे नेक है बिल्ला, लेकिन तुमको क्या लगता है तुम्हारे साथ जेल में रहेंगे ये? तो आप हमारे साथ चलिए, आपका बढ़िया वाला इंतजाम करते हैं हम रहने का। मैडम, एक ऐसे बुरा मत मानिएगा, लेकिन रिक्वेस्ट है कि हमारे घर के होते हुए इंतजाम का क्या जरूरत है? नहीं, हम अकेले रहते हैं और बाबूजी को मिस भी करते हैं कभी कभी, तो अंकल जी अगर थोड़े दिन हमारे साथ रहेंगे ना तो हमको भी अच्छा लगेगा। हमारे साथ जाने दीजिए ना अंकल जी को। देखिए, हम दिल से आपका शुक्रगुजार हैं जो आप लोगों ने हमारे लिए किया है, लेकिन यकीन मानिए, हम आप लोगों पर बोझ नहीं बनना चाहते। हम अकेले यहाँ तक पहुंचे हैं, आगे भी कुछ ना कुछ कर लेंगे हम। सुनिए, जी आइए आइए। महिला पुलिस थाना जनपद लखनऊ, आपकी सेवा में तत्पर। कहिए, कोई कंप्लेन लिखवाना है? बोलिए। कंप्लेन लिखवाने नहीं आई हूँ, इसे लेने आई। सब पता चल गया है, बेटी ने घर से निकाल दिया ना? नहीं, हमने खुद घर छोड़ा है। एक ही बात है, आज की डेट में घर से तो बेघर हो गया ना। फिक्र मत कर, हम सब तेरे साथ हैं, बल्कि हमारा घर भी तो तेरा ही घर है ना। आखिर असली जगह तो तेरी वही है। क्यों बिमला? अम्मा, मैं कमला हूँ, ये बिमला है। आप लोग? मैं अम्मा, ये सब मुझे माही जितना प्यार देते हैं इसलिए मुझे अम्मा कहते हैं। अब चल भी, देर हो रही है। एक मिनट, आप इन्हें अपने साथ क्यों ले जाना चाहती हैं? क्योंकि ये हम में से एक है, तो ये हमारे साथ नहीं तो और कहाँ जाएगा? यहाँ हमारे साथ? कोशिश तो की थी ना इसने आपके समाज में आपके तरीके से रहने की। बेटी गोद ले ली, पाला पोसा, पढ़ाया लिखाया, उसके लिए सब कुछ किया, और जैसे ही उसे पता चला कि ये भी हमारे तरह एक किन्नर है, उसे घर से बाहर निकाल दिया। देखिए अम्मा, हम आपकी बात समझते हैं, लेकिन कुछ छोटी ओछी सोच की वजह से अब पूरे समाज को इस बात का जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते। और वैसे भी अब वक्त बदल रहा है, लोगों की सोच बदल रही है, लोग अब समझने और मानने लगे हैं कि आप और हम एक हैं। इस समाज में आपको हमारे साथ मिलकर एक इज्जत की जिंदगी जीने का पूरा अधिकार है, ये अधिकार आपको कानून ने भी दिया है। हाँ, मैं मानती हूँ आपकी बात, पर इस समाज का क्या?
आप बताइए मैडम मुझे, इस समाज ने कभी हमें अपनाया है? नहीं, इसलिए हमें इस तरीके से रहना पड़ता है मैडम। देखिए, हम जानते हैं कि इस तरह का डिस्क्रिमिनेशन आपको रोज झेलना पड़ता है, आपको रोज इस तरह का भेदभाव देखना पड़ता है, लेकिन इस सब के बावजूद, इस माहौल में रहने के बावजूद भी कितने किन्नर है जिन्होंने कितना कुछ हासिल कर लिया है जिंदगी में, नाम, इज्जत, शोहरत, सब कुछ कमाई। अगर वो भी आपकी तरह सोचते अम्मा, तो क्या ये सब कर पाते? नहीं ना, बस ठान लेने की जरूरत होती है। हमें पूरा यकीन है कि वो दिन बहुत जल्द आएगा जब आप और हम एक साथ इस समाज में इज्जत से जिएंगे। ये सब बोलने और सुनने में अच्छा लगता है मैडम, पर सच ये नहीं, सच ये है जो आपके सामने है। जब तक इसकी सच्चाई इसकी बेटी को नहीं पता थी, तब तक ये इंसान सबसे महान इंसान था। जैसे ही उसे पता चला कि ये महान इंसान एक किन्नर है, वैसे ही उसमें कीड़े पड़ गए। और आप बताइए मैडम, जब इसकी सच्चाई पूरी दुनिया जान चुकी है, तो इसको हमारे सिवा कौन अपनाएगा? इसे जाने दो हमारे साथ। रुक जाइए, अगर ये आपके साथ नहीं जाना चाहते तो इनके इस फैसले में हम इनके साथ हैं। ये यहीं रहेंगे इसी समाज में पूरी इज्जत के साथ, और वो इज्जत उन्हें हम दिलाएंगे। ये जैसी जिंदगी जीना चाहते हैं वैसी जिंदगी जिएंगे, क्योंकि ये उनका हक है। हम भी देखते हैं कि आपकी ये झूठी तसल्ली कब तक इसको हकीकत से दूर रखते हैं। आखिरकार इसे हमारे पास तो आना ही होगा, क्यों इमला? अरे बिमला राइट वाली है, कमला वो उधर। चुप चुप ना, इंतजार रहेगा तुम्हारा। चलो रे। चिट्टी, इनकी बेटी ने इनका सामान निकलवा कर भिजवा दिया। इसका मतलब समझ रही हैं आप संतोष जी? हाँ, अब जब वो नहीं रहेंगे तो वो इनको याद करेगी ना बहुत। मासूमियत। क्या? संतोष जी, इसका मतलब ये है ना कि अब वो इनको बिल्कुल भी मिस नहीं करेगी। अंकल, एक बात बोले? अंकल, मौसम का बुखार और अपनों का गुस्सा जो होता है ना, वो बहुत जल्दी उतर जाता है। हमको ना ऐसा मन में पूरा विश्वास है कि आपकी प्यारी बिटिया रानी जो है ना, उसका कॉल आएगा आपको, और उना अपनी गलती का एहसास कर लेंगी और आपको सॉरी बोल देंगी, और फिर सब कुछ पहले जैसा नॉर्मल हो जाएगा। अंकल, मुझे खुशी देने के लिए आप झूठ मूठ की तसल्ली दे रहे हैं मुझे। देखिए, इतना तो हम भी समझते हैं कि बैग को भेजने का मतलब है कि खुशी अब और मेरे साथ रहना नहीं चाहती। आप सभी ने मेरे लिए बहुत कुछ किया, दिल से सबका शुक्रिया। अच्छा, चल। आप कहीं नहीं जा रहे। जय हिंद मैडम सर। जय हिंद। ऐसा कब तक चलेगा? कब तक रहेंगे ऐसे हम यहाँ? जब तक आपकी बेटी को उसकी गलती का एहसास नहीं हो जाता और वह यहाँ आकर आपसे माफी मांगकर आपको घर वापस नहीं ले जाती। ऐसा नहीं होगा बेटा। क्यों, ऐसा क्यों कह रहे हो? होगा, जरूर होगा। हमारा आपसे वादा है कि आपकी बेटी जरूर आएगी। मैडम सर, ये आपको देखना चाहिए। ये तो किसी फास्ट फूड कंपनी का लेटर है। ये मेरी कंपनी है, युगल फास्ट फूड कंपनी। मैं पिछले 20 साल से यहाँ शेफ के तौर पे काम कर रहा हूँ। अच्छा, ये तो इनविटेशन है किसी फंक्शन का। बेस्ट एम्प्लॉय फॉर 20 इयर्स ऑफ सर्विसेज, आपको अवार्ड मिल रहा है। ये अवार्ड तो आज ही है, इनफैक्ट अभी आधे घंटे में। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? आप जाइए। जाने दीजिए। मिस्टर गोपाल, ये इज्जत आपका हक है, आपको जाना चाहिए। मैं क्या करूंगा अवार्ड लेके? मैं तो बस। नहीं, हम कुछ नहीं सुनेंगे, आपको ये अवार्ड लेने जाना ही पड़ेगा। ठीक है, लेकिन आप बिल्कुल खुशी की तरह जिद करवा कर अपनी बात मनवा रही हैं। तो ठीक है ना, समझ लीजिए मैं आपकी बेटी हूँ, अब मेरी जिद है कि आप जाएंगे यहाँ। हाँ अंकल, प्लीज। हाँ, हम भी चलेंगे। फंक्शन है तो खाने पीने का इंतजाम तो होगा ही। आज का नाश्ता गोपाल सर के साथ, गोपाल सर के नाम। कैसा जंगली मेमना लग रहा है। आप जाइए मिस्टर गोपाल, तैयार होकर आइए, हम आपका वेट कर रहे हैं।
जाइए जाइए, चलिए हम तो तैयार ही है। अरे वाह, आप तो बहुत हैंडसम लग रहे हैं। जय हिंद मैडम सर। जय हिंद। बताएंगे कहाँ जाने की तैयारी हो रही है? आप बहुत अच्छे लग रहे हैं आज, कहीं जा रहे हैं? एक कंपनी में ये पिछले 20 सालों से एज अ शेफ काम कर रहे हैं और वो कंपनी इन्हें इनके काम के लिए बेस्ट एम्प्लॉय का अवार्ड दे रही है। इनफैक्ट ये जाने से मना कर रहे थे, फिर संतोष ने जिद की तो अब ये जा रहे हैं। हमें चलना चाहिए वरना देर हो जाएगी। हम छोड़ देते हैं आपको, चलिए आप हमारे साथ चलिए। अरे एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक सेकंड संतोष जी, एक सेकंड रुकिए। क्या है ना कि सेफ्टी के लिए रखते हैं हम, क्या है कि जिस जगह पर हम रहते हैं ना वहाँ पर पानी का बड़ा दिक्कत है, तो कभी नहा कर आते हैं, कभी कभी इसको मार कर ही ऐसे काम हो जाता है। तो नहीं संतु जी, मतलब हमेशा ऐसा नहीं होता है, कभी कभार साल भर में एक आधा बार तो। ए, तुम क्या कर रहे हो? तुम का ऐसे आँख फाड़ के देख रहे हो, सर पीट रहे हो? ठीक है, मैं सोच रहा हूँ। गोपाल सर, आप फंक्शन के लिए जा रहे हैं तो मेरे तरफ से आपको ये चश्मा लगा कर चाहिए, अच्छे दिखेंगे। यस नहीं सॉरी दीदी, लीजिए। शाबाश, क्या बात है अंकल जी, हीरो लग रहे हैं, अच्छे लग रहे हैं। अब चले ऑफिस। जी जी। हेलो। हाँ पंकज जी, जी जी बस पहुंच रहे हैं फंक्शन में। जी बोलिए ना। जी जी क्या हुआ? मुझे नौकरी से निकाल दिया गया है। क्या बात कर रहे हैं आप? कि काहे निकाला आपको नौकरी से? जाहिर सी बात है, मेरा सच खुशी को भी रास नहीं आया तो मेरे कंपनी को कहां से रास आता? पर आपने 20 साल दिए इस कंपनी को, वो ऐसे कैसे आपको निकाल सकते हैं? अब चलिए हमारे साथ, हम भी देखते हैं आपको वो नौकरी से कैसे निकालते हैं, कौन माई का लाल पैदा हुआ है, हम फोड़ देंगे उनको आज। अब चलिए हमारे साथ, चलिए। आप कहीं नहीं जा रही हैं करिश्मा सिंह। मैडम सर प्लीज, आज आप हमें मत रोकिए, आज हमारा दिमाग ना एकदम आउट हो गया है। ये नाजायज और गलत काम आप अपनी आंखों के सामने होते देख सकती है लेकिन हम नहीं देख सकते। हम समझाएंगे उनको, अगर समझ गए तो बहुत अच्छा बात है, नहीं तो ज्ञान बोधनी है हमारे पास समझाने के लिए। ज्ञान बोधनी? डंडा। ओह, आप अच्छे से जानती हैं कि जोर जबरदस्ती से यह मामला और बिगड़ सकता है, और जो समस्या बात करके हल हो सकती है उसके लिए मारपीट करना और कानून को अपने हाथ में लेना क्या जरूरी है? मैडम सर, बातचीत जरूरतमंद लोगों से की जाती है, गैरतमंद लोग अपना हक छीन लिया करते हैं। यही तो दिक्कत है ना आपकी, सब कुछ आज अभी इसी वक्त, कल के बारे में तो सोचती नहीं है। एक बात बताइए, अभी तो आप जोर जबरदस्ती करके इन्हें इनकी नौकरी वापस दिलवा देंगे, लेकिन आगे जाकर भी इन्हें यही समस्या होने वाली है, तब क्या करेंगी? एक एक को जाकर आप मारेंगी और पीटेंगी? जरूरत है लोगों की सोच बदलने की, और वो तब होगा जब अंदर जज्बात जगेंगे। फिर से जज्बात? कौन से जज्बात मैडम सर? जो इनकी बेटी ने एक सेकंड के लिए भी नहीं समझे, इतनी बेरहमी से कोई अपने अंग का सड़ा हुआ हिस्सा भी काट कर नहीं फेंकता है, जितनी बेदर्दी से इनकी बेटी ने इनको अपनी जिंदगी से काट कर फेंक दिया है। अगर ऐसे अगर जज्बात होते हैं तो फिर हमें इन जज्बातों से दूर रहना है। हम ऐसे ही ठीक है, रूखे सूखे प्रैक्टिकल। आप मत रोकिए ना मैडम सर हमें, आज हमें जाने दीजिए, हम अपने तरीका से सबने पट लेंगे। करिश्मा जी रुकिए रुकिए, बात मान लीजिए उनकी, ठीक कह रहे हैं वो। देखिए मुझे कंपनी में जगह नहीं चाहिए, मुझे उनकी सोच में जगह चाहिए। जो स्थान इज्जत से मिले तो ठीक, नहीं तो डरा कर तो जानवर भी शिकार कर लेते हैं। आप गुस्सा छोड़ दीजिए, ठंडे दिमाग से लिया गया फैसला हमेशा सही होता है। मैंने कहा था एक एक करके सब इसे अकेला छोड़ देंगे और अकेली रह जाएगी तू। आना तुझे यही है और यही सच है, इस बात को तू अभी मान ले या बाद में, ये तेरी मर्जी। ऐसा तो नहीं होगा अम्मा। देखते हैं, हम यही आसपास हैं। क्यों विमला? हेलो कमला, विमला। अम्मा वो सही बोल रहा है, मैं कमला हूँ, ये विमला है।
तुम दोनों एक जगह खड़ी नहीं रह सकती क्या? चलो यहां से। पुष्पा जी, आई मिस यू सो मच पुष्पा जी। आप आ गई हो तो बस गोपाल सर का उनका जॉब वापस दिला दो। तुम क्यों चिंता करते हो, अब हम आ गए हैं ना, निकाल दे कोई दूर की कौड़ी। बस बस आपका ही सहारा है पुष्पा जी। क्या हुआ, क्या दो कौड़ी की चाय बनाई तुमने बदनाम? बड़ा दोनों साथ हुए एक जैसे। चाय है ना, दूध ना चीनी। मैडम जी, मैं आपको क्या बताऊं, महंगाई इतनी बढ़ रही है, दूध लेता हूं तो चीनी के लिए पैसे नहीं बचते, चीनी लेता हूं तो दूध के लिए पैसे नहीं बचते। पुष्पा जी, धंधा मंदा चल रहा है, अब मंदा है तो क्या हुआ, करना तो पड़ेगा ना। कुछ भी करके हमें गोपाल जी की नौकरी लगवानी ही होगी। बिल्लू। हाँ पुष्पा जी। क्या तुम भी वही सोच रहे जो हम सोच रहे? हाँ, थोड़ा थोड़ा वही सोच रहे जो आप सोच रहे हैं। इतना समझदार हो गया मेरे बेटा बिल्लू। तो चले कहाँ? बिरयानी खाने, यही सोच रहे थे ना आप। चुप, जड़ बुद्धि। वैसे पुष्पा जी, आप सोच क्या रही है? देखो बदनाम, वैसे तो तुम चाय एकदम वाहियात बनाते हो, मगर तुम इंसान बुरे नहीं हो। देखो तुम एक चाय वाले हो, हाँ, और अगर चाय के साथ साथ तुमने अपने दुकान में फास्ट फूड का भी धंधा अगर शुरू किया तो सोचो क्या होगा। तो क्या होगा? अरे तो क्या होगा, क्या बदनाम, अरे तुम्हारा धंधा दुगना हो जाएगा, रिस्क कम हो जाएगा। अरे चाय नहीं चली तो फास्ट फूड चलेगा, फास्ट फूड नहीं चलेगा तो चाय चलेगी, और दोनों चले तो फिर दिन। फिर क्या? अरे भाई मुनाफा डबल। अभी बेटा तुमको सच बताए, अभी हमको फास्ट फूड बनाना आता ही नहीं है। अब गोपाल जी है ना, कितना बढ़िया खाना बनाते हैं, हाँ? सब लोग जानते हैं। अभी बेटा आइडिया अच्छा है, लेकिन अब लेकिन क्या, अम्मी जान कहती है चाय से बड़ा कोई धंधा नहीं और धंधे से बड़ा कोई धर्म नहीं। इसीलिए आप सभी से माफी चाहता हूँ। गुड बाय, कम ऑन। पुष्पा जी, ये तो हमारा शत्रु निकला। ऑफर देने आई। ऑफर? हाँ, तुम्हें वहां से मैंने देखा तो मेरे दिमाग में ख्याल आया, फिर दिमाग में ख्याल आया तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं तुमसे आके पूछूं कि तुम्हें मैं कैसी लगती हूँ। मतलब शादी का ऑफर? तुम्हें कोई एतराज नहीं है? हमको काहे एतराज होगा। वाह दोस्त, मान गए, ऐसा प्यार करने वाला इतिहास में नहीं हुआ होगा। शाबाश। इकबाल, तुम्हें मैं कैसी लगती? बहुत अच्छी। अच्छा तो ये एक बात तो कंफर्म है चीते, कि अगर मैं तुम्हें कोई ऑफर दूं तो ऐवे ही ऑफर तो होगा नहीं, है ना, उसमें तुम्हारा ही प्रॉफिट है। तो सुनो, अरे नहीं नहीं, हम तैयार हैं। हाँ तो इसका मतलब ये है कि तुम अपने दुकान के सामने वाली जगह फास्ट फूड कॉर्नर खोलने के लिए देने को तैयार हो क्या? ना मत बोलना, तुमने अभी अभी हाँ बोला एक बार। तो हम तो ऑफर के लिए तैयार है ना। हाँ तो यही तो ऑफर है, अभी जो चीते ने बोला। सत्यानाश हो, क्या सोचा क्या निकला। क्या सोच रहे थे तुम, अब क्या बताएं? अच्छा किसके साथ? हमारे गोपाल जी। इकबाल सोचो, तुम्हारे ये सैलून के सामने उनका फास्ट फूड का स्टॉल होगा, तुम तो रातों रात हिट हो जाओगे। अरे नहीं 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 नहीं, नहीं अभी तो हाँ बोल रहे थे तुम। अरे मतलब ये फास्ट फूड वाला आइडिया सही नहीं है, मतलब इधर सैलून उधर फास्ट फूड, कहीं बाल उड़ के चला गया तो कस्टमर तो हमारा फास्टली फूड तैयार कर देंगे ना। तो अरे हाँ याद आया, बिरयानी का ऑर्डर लिए थे। मैं दाढ़ी तो रुको ना, आ रहे हैं ना, काम है उधर। सुन इकबाल, बात सुन इकबाल। अरे रहने दीजिए थे, जब अपने ही नहीं माने तो हम बाकियों से क्या उम्मीद करेंगे। आप सब मेरे लिए इतना परेशान क्यों हो रहे हैं? इस उम्र में मैं किसके लिए कमाऊंगा? जहां तक दो वक्त की रोटी की बात है, इंतजाम हो जाएगा कुछ ना कुछ। तजुर्बा कहता है हमारा कि बात सिर्फ कमाई की नहीं होती, कमाई से मिलने वाली इज्जत की होती है। वैसे एक आदमी है जो इस सब में आपकी मदद कर सकता है। आप सब मेरे लिए इतना परेशान क्यों हो रहे हैं? इस उम्र में मैं किसके लिए कमाऊंगा? जहां तक दो वक्त की रोटी की बात है, इंतजाम हो जाएगा कुछ ना कुछ।
तजुर्बा कहता है हमारा कि बात सिर्फ कमाई की नहीं होती, कमाई से मिलने वाली इज्जत की होती है। वैसे एक आदमी है जो इस सब में आपकी मदद कर सकता है। कौन मैडम सर? नवाब साहब। एक वही है पूरे लखनऊ में जो आपको आपकी पसंद की जगह पर फूड सेंटर खोलने में मदद कर सकते हैं। और उसमें आपको हमारा जरूरत पड़ेगा मैडम सर, क्योंकि नवाब साहब को थोड़ा प्यार का भाषा समझ में जो नहीं आता। नहीं नहीं ऐसी बात नहीं करिश्मा मैडम, है ना पुष्पा जी? हाँ लेकिन ये नवाब साहब हैं कौन? माफ कीजिएगा, नवाब साहब यहाँ के ओनर हैं। ये महिला पुलिस थाना उनकी पुश्तैनी हवेली पर बना है। थोड़े से टेढ़े हैं लेकिन इंसान अच्छे हैं। हमें लगता है कि उनसे इस बारे में बात करने के लिए पुष्पा जी ठीक रहेंगी, नहीं? हाँ बिल्कुल, ये कहेंगी तो जरूर मान जाएंगे। वो आपके मुरीद हैं, आपकी बात तो कभी टालेंगे नहीं, है ना पुष्पा जी? नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है, इज्जत करते हैं हमारी, बहुत ही भद्र पुरुष हैं। कौन 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 पुरुष है? भले 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 इंसान है वो, औरत की बात का मान रखते हैं बस, और कुछ नहीं। आज से पहले कभी खुशी के बिना किसी और चीज के बारे में सोचा ही नहीं, सिर्फ खुशी के लिए सोचता रहा। आज अपने लिए सोच के बहुत अजीब सा लग रहा है मुझे। आप बिल्कुल हमारे अब्बा की तरह हैं। उन्होंने भी आप ही की तरह जिंदगी भर परिवार का ख्याल रखने में, परिवार के लिए कमाने में बिता दी। ये बात अच्छी है, लेकिन इस तरह के लोग सिर्फ अपनी ही दुनिया में सिमट कर रह जाते हैं और फिर धीरे धीरे बाहर की दुनिया उन्हें भूलने लगती है। सच बात तो यह है कि जब हम अपने लिए जीना शुरू करते हैं तो दुनिया हमारे लिए जीना शुरू करती है, जब हम अपने बारे में सोचना शुरू करते हैं तो दुनिया हमारे बारे में सोचना शुरू करती है। तजुर्बा कहता है हमारा कि जिंदगी एको साउंड की तरह होती है, हम जिस टोन में सवाल करते हैं ठीक उसी टोन में हमें जवाब मिलता है। इसलिए अपने बारे में सोचना, अपनी जिंदगी अपने हिसाब से जीना गलत बात नहीं है। ये आपकी जिंदगी है, इसमें खुश रहना आपका हक है। और उसके लिए सबसे पहले जरूरी है उस जज्बाती गुलामी से आजादी, जो आपको अपने बारे में कभी सोचने नहीं देती। इसलिए जो कुछ भी हुआ भूल जाइए, आप भूल जाइए आपकी बेटी ने आपके साथ क्या किया, अभी सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में सोचिए। शायद आप सच कह रही हैं, लेकिन अपने लिए कभी जिया ही नहीं, और मैं तो कल्पना भी नहीं कर सकता खुशी के बिना किसी और खुशी की। इसके लिए भी एक बहुत अच्छा आइडिया है मेरे पास। आप जब भी अपना फास्ट फूड सेंटर खोलेंगे अपनी बेटी खुशी के नाम से खोलिएगा। इससे आपकी बेटी खुशी का नाम आपसे जुड़ा हुआ रहेगा और आपका भी दिल काम में लगेगा, है ना अच्छा आइडिया? वाह क्या बात है सर, कभी कभी सुर लगता है आपका गलती से, लेकिन जब लगता है ना तो एकदम क्या बात है संतु जी, ये बात बोल के ना एकदम आपसे शादी करने का हमारा इरादा और पक्का कर दिया। चले आइए संतु जी, चलिए चलिए संतु जी चलिए। आप आ गई, मुझे लगा ही था आप अपने पापा को लेने जरूर आएंगी। हम इन्हें लेने नहीं बल्कि इनसे कुछ और लेने आए हैं। अब क्या चाहिए, पैसे लेने आई हो? इतना बड़ा घर दे दिया, घर से बेघर कर दिया, अब किस बात का पैसा चाहिए तुमको? सिर्फ घर ही नहीं दिया इन्होंने, घर के साथ भर भर के जिल्लतें भी दे दी। घर से कॉलेज और कॉलेज से फ्रेंड सर्कल, हर जगह इनकी वजह से शर्मिंदगी झेलनी पड़ रही है मुझे कि ये मेरे पिता है, एक किन्नर मेरे पिता है। अच्छा तो अभी आपको जिल्लत फील हो रही है, इसी बात ने पूरी दुनिया के सामने ये कहा था कि मेरी बच्ची कितनी मासूम है, कितनी अच्छी है, उसके बारे में कुछ गलत नहीं सुनेंगे। वाह लेकिन मैडम जब मैं खुशी को ऐसे देखता हूँ ना, खून खोलता है मेरे अंदर, मन करता है सब कुछ चीर दूँ, फाड़ दूँ, खून की नदियाँ बहा दूँ, शमशान बना दूँ मैं। ओ भाई साहब धीरे थोड़ा, कौन है ये नमूना? ये सोमू है, मेरा बॉयफ्रेंड, कवि है, वीर रस में कविताएं करता है। तो अपने इस वीर बहादुर साहसी कविराज बॉयफ्रेंड को बोल दो कि ये थाना है और यहाँ इस तरीके की हिंसक बातें करना कानूनी अपराध है, इसके लिए सीधा अंदर हो सकते हैं ये, इसलिए अपनी भावनाओं को थोड़ा काबू में रखे और जब बोला जाए ना तभी मुंह खोले, समझ गए? खुशी तुमने मुझे बताया नहीं कि तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड भी है। हाँ तो आपने भी कब आपके बारे में सबको सच बताया था? और रही सोमू की बात, तो मैं इससे बहुत प्यार करती हूँ और शादी भी इसी से करूंगी। मैं भी खुशी से बहुत प्यार करता हूँ
और उसका सबूत है मेरी कविता जो मैंने खुशी के लिए लिखी है। सुनिए। पूछ तो लो, सुनना है कि नहीं? बिल्कुल नहीं सुनना है। अरे हम वीर रस कवि हैं, हम सुनाने के पहले पूछते नहीं है, सीधा सुनाते हैं। तो सुनिए। चीते जरा ड्रॉर से गोली का डिब्बा लाओ हमारा। हाँ, क्या बोल रहे थे? कुछ नहीं, मेरा बस इतना ही था। खुशी, यू कंटिन्यू। इतनी इंसल्ट के बाद मैं तो इस शहर में बिल्कुल नहीं रह सकती, इसीलिए मैंने यूएस जाने का प्लान किया है। आगे की पढ़ाई अब मैं वहीं करूंगी, सोमू सब इंतजाम कर देगा। मुझे सिर्फ 15 लाख रुपए चाहिए। क्या 15 लाख? ये तो काफी बड़ी रकम है बेटा, और तुम इस अजीब सी चीज पे भरोसा करती हो? आपने सबको क्या इनकी तरह धोखेबाज समझा है? सुनिए ना खुशी मैडम, बहुत हो गया आपका, कुछ नहीं मिलेगा आपको, निकलो यहाँ से। ठीक है, जा रही हूँ, नहीं चाहिए मुझे कुछ भी, लेकिन एक बात याद रखना, और मेरी जिंदगी नर्क बन गई है सिर्फ और सिर्फ आपकी वजह से। चलो सो। एक मिनट बेटा, एक मिनट, मैं अभी आया। ये लो, मेरे अकाउंट में 22 लाख रुपए हैं, ये मेरी जिंदगी भर की जमा पूंजी है, तुम इसमें से जितना चाहो निकालो, चाहो तो पूरा रख लो, तुम्हारे लिए तो है। 22 लाख? अरे 22 लाख में तो हमारा सब कुछ हो जाएगा। इतने सारे जीरो को देख के ना जहन में एक शायरी आ रही है। चीते तुम गोलियां नहीं लाए अभी तक? गोली का मैडम, इसको तो तोप के आगे बांध देना चाहिए। वाह, बहुत बढ़िया किया आपने, बहुत बढ़िया किया। इज्जत का फजीहत तो वैसी कर चुकी है ये लड़की। आपने अपना जो जिंदगी भर आपने जो कमाया है जमा पूंजी, वो भी इसके नाम कर दिया। अरे पलट कर नहीं देखेगी आपको, बता रहे हैं, कहा जरूरत था पूरा पूरा जिंदगी भर का जमा पूंजी इसके हाथ करने का। करिश्मा सिंह बिल्कुल ठीक करें, आपको ये सब नहीं करना चाहिए था। पुरानी कहावत है, पैसा वही जो हाथ में, ताकत वही जो पास में, और अपने वही जो साथ में। आपने अपने जज्बात गलत जगह जाया कर दिए। बुरा मत मानना, एक सवाल करता हूँ, भगवान ना करे, लेकिन अगर मेरी जगह आपके पिताजी होते तो वो क्या करते? संतु जी, इसको लौटे। कितनी प्यारी लग रही है ना। हमको लगता है ना ये अपने सपने में बहुत सारी शॉपिंग कर रही है। शादी कर रही है? शादी हमारे साथ? तुम्हारे साथ कर रही होती तो रो रही होती, हंस रही है, मतलब सनी के साथ शादी हो रही। क्या बोले? कसम से बिल्लू चंपत, कभी कभार तुम पर इतना गुस्सा आता है ना कि मन करता है कि गन्ना वाली मशीन में तुमको डालकर तब तक चलाते रहना जब तक तुम्हारे सगल का झाड़ू ना बन जाए। संतु जी, क्या है संतु जी? देखना क्या लिखा है, देख। Do not disturb. Good morning संतु जी, good morning, have a nice day. संतु जी, सबसे पहले हमको ये बताइए कि दूल्हा कौन था? हाँ? नहीं, आप ऐसे लेटी थी तो सपना देख रही थी ना कि सपने में आपका शादी हो रहा था? किसने कहा मैं सपना देख रही थी? नहीं तो आप ऐसे लेट कर ऐसे मंद मंद मुस्कुरा कह रही थी संतु जी? मैं विजुअलाइज कर रही थी। मैंने एक बुक में पढ़ा था पुष्पा जी कि अगर आप सच्चे दिल से पूरी शिद्दत से कुछ सोचो तो वो पूरा हो जाता है। अब गेस करो कि मैं क्या सोच रही थी। हम बताएं कि संतु क्या सोच रही होगी? बताओ। तुम्हारा सरकारी क्वार्टर जो है ना, उसमें जो नल टपकता है वो बंद हो गया। कॉमन वुमन मेंटेलिटी। नहीं, ये नहीं सोच रही थी मैं विजुअलाइज कर रही थी कि खुशी को अपनी गलती का एहसास हो गया। वो हमारे थाने आ रही है गोपाल जी से माफी मांगने, रोते हुए दौड़ते हुए यहाँ भागी भागी आती है और अपने डैडी को अपना लेती है। हेल्प, हेल्प, प्लीज मेरी मदद कीजिए। विजुअलाइज इतनी जल्दी? हाँ हाँ हाँ, मगर हुआ क्या? क्या हुआ, क्यों चिल्ला रही हो? जय मैडम सर। जय। वैसे तुम यहाँ कर क्या रही हो? तुम तो यूएस जा रही थी ना? मैं जानती हूँ मैडम सर ये यहाँ पे क्यों आई है। क्यों आई है? गोपाल जी से माफी मांगने। अच्छा, आपको कैसे पता? विजुअलाइज किया मैंने मैडम सर, ये टैलेंट बहुत कम लोगों के पास होता है, तो ये माफी मांगने आई। आप माफी मांगने आए हो ना? हुँ? बिल्कुल भी नहीं,
बल्कि मैं तो रिपोर्ट लिखाने आई हूँ। वो जो मेरा बॉयफ्रेंड था सोमू, वो मेरे सारे पैसे लेके भाग गया। सारे? हाँ, धोखा दिया उसने मुझे, चीटिंग की मेरे साथ। हमने जाहिर किया था ना डाउट लड़के के खिलाफ, लेकिन आपने नहीं सुनी। अपने जिंदगी भर का जमा पूंजी दे दिया, अब देखिए क्या हुआ। चूरन लगा के गया हम सबको, बर्बाद कर दिया आपने अपना सब कुछ इस नालायक औलाद के पीछे। दूर रहिए मुझसे, मुझे आपकी हमदर्दी नहीं, पैसे चाहिए। मुझे यूएस जाना है, अपनी पढ़ाई पूरी करनी है। मैंने अभी एक और आदमी को ढूंढा है जो बहुत जेन्युइन है, चाहे तो आप लोग मिलके उससे तसल्ली कर सकती हैं। वो 10 लाख रुपए लेगा और मेरा वीजा बना के देगा। मुझे इस शहर से, इनसे और इस जिल्लत भरी जिंदगी से दूर जाना है, इतनी दूर कि मैं ये भूल सकूं कि ये मेरे पिता है। तुम्हें थोड़ी सी भी शर्म नहीं आ रही ऐसा बोलने में? इतनी सी भी इंसानियत नहीं बची है तुम में? ये अपनी जमा पूंजी, जिंदगी भर की कमाई, सब कुछ तुम्हें दे चुके हैं, इनके पास बचा क्या है तुम्हें अब देने के लिए? एक मिनट गोपाल जी, अब हम बात करेंगे इसे, खुशी सुनो तुम। दो बातें हैं, पहला बात, हमारे पेशेंस का हो गया दी एंड, इसलिए अगर तुमने अपने पिताश्री का एक और बार अपमान किया ना हमारे सामने, तो हम तुम्हें वो मार लगाएंगे कि तुम्हारे मुंह से एक कोई बात निकलेगी। दरोगा जी देखे तो बहुत, तुमसा ना देखा। दूसरा बात, ये जो नौटंकी हुआ है ना, तुम्हारा बॉयफ्रेंड पैसा लेके जो भागा है, ये तुम्हारा फॉल्ट है और उसका फॉल्ट है, इसलिए अब जो इसका साइड इफेक्ट होगा ना, ये तुम ही झेलोगी। समझ गई तुम? अब इससे पहले कि हम अपना पेशेंस हमारे दिमाग से बाहर निकल जाए, तुम यहां से कट लो हमारे सामने से और खुद को हमसे बचा लो। जाओ निकलो। गोपाल जी आप? कहाँ चले गए? संतू? संतू? हाँ? गोपाल जी को देखा कहीं तुमने? अंदर ही होंगे और कहाँ जाएंगे? नहीं अंदर नहीं है वो, पता नहीं। चीते जरा जाके देखो बदनाम के ठिये पर है क्या वो। ठीक, हम देखते हैं। हाँ। क्या हुआ पुष्पा जी? गोपाल जी अपने कमरे में नहीं है, पता नहीं कहाँ चले गए। वैसे हमने चीता को भेजा है बदनाम के ठिये पे। ओके, फोन करके देखते हैं। फोन स्विच ऑफ आ रहा है। क्या क्या ऐसे कैसे बिना बताए कहीं जा सकते हैं? देखा, कहा था ना मैंने तो कुछ चल कर आएगा। दुनिया देखी है अम्मा ने, पता था यही होना है। बेकार में इतना टाइम वेस्ट किया क्यों कमला? अरे अम्मा, मैं बिमला हूँ, कमला तो ये है। अम्मा देखो, मैं आ तो गया हूँ, मेरी एक छोटी सी शर्त है। माँ से शर्त नहीं रखते, हक से मांगते हैं। जो मांगेगा मिलेगा, इस परिवार में स्वागत है तेरा। हेलो। हेलो संतोष बेटा। गोपाल जी आप ठीक तो है ना? आप हो कहाँ? बेटा सुनो मेरी बात देख। ऐसे कोई करता है कि आप कहीं जा रहे हो तो एटलीस्ट बता दो ना। आपको पता है कितने बुरे बुरे ख्याल आ रहे थे यहाँ पे? आपको कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा हमने, थाने से लेके मार्केट तक, मार्केट से लेके दूसरे थाने तक, दूसरे थाने से लेके तीसरे थाने तक, लेकिन कहीं भी आपका कुछ पता नहीं चला। आप कहीं जा रहे हो तो एटलीस्ट बता दो, यहाँ पे कोई आपको ना नहीं बोलेगा। अच्छा मैं बाद में फोन करता हूँ। क्यों, अभी बताइए ना। लेकिन तुम सांस ले लो तो मैं कुछ बोलूँ ना। अब हाँ बोलिए बोलिए बोलिए। देखो बेटा मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है, मदद करोगी हमारी? हाँ तो इसमें पूछना क्या है, आप बताइए क्या करना है, मैं कर दूंगी। मैं आपके नंबर पर ना एक एड्रेस मैसेज करता हूँ। ठीक है, तुम उस एड्रेस पे आ जाओ, हम मिलके तुम्हें अपने मदद के लिए बताएंगे। देखो ये बात किसी को बताना नहीं, ये राज है, राज ही रहने देना। ठीक है ना? कहाँ हो गया संतू जी? संतू जी आप नर्वस क्या कह रही हैं? मैं कहाँ नर्वस आ रही हूँ? संतू जी आपका हाजमा तो ठीक है ना? हाँ क्यों? तो आप पेट पर ऐसे से हाथ कहे रगड़ रही हैं संतू जी? वो मैंने खट्टा दही खा लिया था। संतू जी तो आप चीनी मिला के खाती ना?
वो बहुत ज्यादा खट्टा था। वैसे फोन किसका था संतू जी? कौन सा फोन? ये हाँ। अच्छा ये फोन तो पापा का था, मेरे। हाँ, पापा का था तो बोलना चाहिए था ना उनको प्रणाम। हाँ, मैं डॉक्टर के पास जाती हूँ, पेट बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है। ठीक है, क्या बात कर रही है संतू जी, ऐसी हालत में कैसे जाइएगा हॉस्पिटल? कहिए तो हम अभी एम्बुलेंस बुला लेते हैं। नहीं ना तो फिर हम आपके साथ चल लेते हैं ना। नहीं, यहाँ पे थाने में भी तो कोई होना चाहिए ना, तो तू यहाँ पर है, मैं डॉक्टर के पास जाकर आती हूँ। संतू जी क्या है ना, हमारा बात सुन, संतू जी चली गई, कुछ ना कुछ गड़बड़ तो जरूर है। संतू जी कबूतर का कुछ पता चला क्या? चील को बोला था कबूतर का पता लगाने को, तो चील को क्या पता चला? भालू के पास इंफॉर्मेशन है, तो भालू क्या बोला? घोड़ा बताएगा। तो घोड़े को फोन करना था ना, क्या घोड़े को फोन लोमड़ी ने उठाया? ठीक है क्या बोला? ओके ठीक है। नहीं भाई साहब, क्या चल रहा है ये? हम कहा बोले थे तुमको, खबरी नेटवर्क को थोड़ा एक्टिव करो। तुम ये क्या चिड़ियाघर का मजा ले रहे हो, तोता मैना बिल्ली? नहीं मैडम, ये हमारे धंधे में सबके नाम ऐसे ही, सब हमारे खबरी ऐसे ही। सुनो, PhD नहीं करना है हमें तुम्हारे ये खबरी पर, मुद्दे पर आओ, कुछ पता चला? मैडम, हम जिसके पीछे पड़ जाए उसके मुंह से निकले हाय हाय, कभी फेल नहीं होता बिल्लू द स्पाई। सॉरी, पहले हमारा ही चश्मा पहनते हो, फिर उसको गिराते हो, फिर उसी में टशन दिखाते हो। तुम क्या जिंदगी से नाराजगी चल रहा है तुम्हारा? नहीं सॉरी बोला ना मैडम। देख बिल्ला, ये चिड़ियाघर का खबर ना एकदम सही होना चाहिए, वरना ऐसा तोड़ेंगे ना तुमको कि लखनऊ का कोई डॉक्टर तुमको जोड़ नहीं पाएगा, समझ रहे हो? सर आप इनके साथ क्या कर रहे हैं गोपाल जी? तुम मेरी मदद करोगी ना? हाँ तो फिर ये लो। ये क्या है? इसमें 10 लाख रुपए हैं, खुशी को दे देना, ये उसके US जाने के लिए है। आप गोपाल जी ये क्या कर रहे हैं? आप दोबारा वही गलती कर रहे हैं। कुछ मत कहो बेटा, बस इस पैसे को खुशी तक पहुंचा दो। तो आप ये खुद क्यों नहीं दे देते? आप मेरे साथ चलिए, आप खुद दे दीजिए। नहीं आ सकता। क्यों नहीं आ सकते आप? सवाल मत करो बेटा, कुछ सवाल ऐसे होते हैं जिसका कोई जवाब नहीं होता। देखो तुम उस दिन बोल रही थी ना कि तुम मेरी बेटी की तरह हो, मैं तुम्हारे पिताजी के जैसा। अगर पिताजी समझती हो तो सवाल मत करो, इस पैसे को तुम खुशी तक पहुंचा दो। और हाँ, वादा करो तुम किसी को कुछ बताओगी नहीं, पहुंचा दोगी ना? थैंक गॉड, फाइनली। कहाँ है? कहाँ है मतलब? तुम बताओ कहाँ है तुम्हारे पिता? मुझे क्या पता कहाँ है, मैं तो अपने पैसों के बारे में पूछ रही थी। पैसे? कौन से पैसे? क्यों, आपको पिताजी का फोन नहीं आया? नहीं। मुझे तो आया था सुबह उनका फोन, बोले भिजवा रहा हूँ पूरे 10 लाख रुपए। मुझे लगा कि आप लोग मेरे पैसे लेकर आए होंगे। लगता है तुम्हारी अक्ल अब तक ठिकाने नहीं आई, कहाँ से आएंगे उनके पास इतने पैसे? मुझे क्या पता कहाँ से आएंगे पैसे, जैसा बाबा ने मुझे बोला था मैंने आपको बता दिया। अगर बाबा ने इनके जरिए पैसे नहीं भेजे तो कौन पैसे लेकर आने वाला होगा? पैसा पैसा पैसा, हद होती है बेशर्मी की। वो आदमी जिसने तुम्हें पाल पोस कर इतना बड़ा किया, अपनी जिंदगी भर की सारी कमाई तुम्हारी खुशियों के लिए खर्च कर दी, वो आदमी कहाँ है, कैसा है, जिंदा भी है या मर गया, ये पूछने के बजाय तुम्हें सिर्फ अपने पैसों की पड़ी है। क्या मतलब कहाँ है? सुबह आप लोगों के साथ ही तो थे थाने में। थे लेकिन अब नहीं, बिना बताए कहीं जा चुके हैं। हमें लगा शायद तुम्हें अपने किए पर थोड़ा बहुत पछतावा हुआ होगा और तुम अपने पिता को घर ले आई होगी, लेकिन अफसोस तुम वही इनसेंसिटिव और सेल्फिश लड़की हो जिसको अपने ही पिता के जज्बातों की कोई कदर नहीं। शायद तुम्हारे पिताजी ने अपनी असलियत छुपाकर गलती की, लेकिन तुम्हें गोद लेकर उससे बड़ी गलती की। चलिए पुष्पा जी,
फंसा दिया गोपाल जी ने, झूठ बोलने बोल रहे हैं वो भी उनके सामने, जो दो सेकंड में पकड़ लेंगे मुझे। तो वादा भी किया तो मदद तो करनी पड़ेगी। ये खुशी कौन से पैसों की बात कर रही थी? इसकी बातों से तो यही लग रहा है मैडम सर कि गोपाल जी फिर से इसकी बातों में आ गए हैं और उसके लिए 10 लाख का कुछ ना कुछ इंतजाम कर लिया उन्होंने। वो ठीक है, लेकिन कहाँ से करेंगे वो इंतजाम? उनके पास अब कुछ बचा तो है नहीं। वो सारे पैसे अपना सब कुछ उस लड़की को दे चुके हैं। उसके अलावा कोई दूसरा सोर्स ऑफ इनकम भी नहीं है जहाँ से वो इतनी जल्दी इतने पैसे अरेंज कर दें। तो फिर कैसे उन्होंने? लेकिन मैडम सर अगर संतू कहाँ कहाँ? वहाँ वहाँ। अच्छा वहाँ कहाँ? खाने थाने? खाने खाने हवा खाने। ऐसे यूनिफॉर्म पहनकर ऐसे खाता है कोई हवा? तो हवा को थोड़ी ना पता है कि मैं यूनिफॉर्म में हूँ, बैग लिए हुए हूँ और चोरी चोरी हवा खा रही हूँ। तो आ रही हूँ तो मैं खा रही हूँ। बैग में क्या है? मेकअप का सामान है। ये झूठ बोल रही है, ये पक्का झूठ बोल रही है। देखिए ना कैसे पेट पकड़ कर बोल रही है। क्या छुपा रही हो बताओ, क्या है बैग में? बताना चाहती हूँ पर बता नहीं सकती। किसको? आपको। दे दो। बैग छोड़ो संतू। ये तो काफी पैसे है मैडम सर। ये पैसे गोपाल जी ने दिए ना तुम्हें? हाँ या ना, मैं सर तो हिला सकती हूँ, इसमें तो कोई प्रॉमिस नहीं टूटेगा। ये पैसे गोपाल जी ने दिए हैं खुशी को देने के लिए। कहाँ से आए ये पैसे? देखो संतो, किसी की भलाई के लिए कोई अगर वादा तोड़ना पड़े ना तो वो गलत नहीं होता। हाँ। तो अब बताओ कहाँ मिले तुम्हें गोपाल जी? चारबाग स्टेशन में मिले थे, वहीं पे उन्होंने बुलाया था मुझे और उनके साथ कमला और विमला भी थे। अम्मा जी